थैंक यू तुषार गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आई कान हियर कि जय <जै> जोहार बोलो <laughs> देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मालूम है यूनिटी और चंचलता अति चंचलता नहीं इस चंचलता को मन मस्तिष्क और व्यवहार तीनों में सामंजस्य बना के रखना पड़ता है तब इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू होती है सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मनीषा शर्मा मैडम वाइस प्रिंसिपल संतोष सार सर राजेश लालवानी सर जिन लोगों के कारण आप लोगों के बीच पुनः मुझे इस कॉलेज प्रांगण में आने का अवसर मिला आप लोगों से तो पहली बार रूबरू हो रहा हूँ प्रश्न हमेशा ये उठता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मनोचिकित्सक को ही क्यों बुलाया जाता है इंडक्शन प्रोग्राम में क्या ये सवाल आप लोग के मन में आया है क्या जोर से बोलो ये इंजीनियरिंग के नहीं लग रहे लड़के मेरे को जोर से बोलो आवाज लड़की की है लेकिन लड़का बोल रहा है थोड़ा आवाज जोर से बोलो भाई यस yes. ये इसलिए होता है कि आपको मैं कुछ चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि क्यों इंडक्शन प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट्स को रूबरू कराने के लिए मुझे बुलाया जाता है या अवसर दिया जाता है एक बार 2020 में बीस में नाइनटीन में 2019 में हमने एक स्टडी करी थी युगान्तर इंजीनियरिंग कॉलेज व बीआईटी में जिसमें 864 बच्चों को हमने इंटरव्यू किया था क्वेश्चनर के थ्रू वह क्वेश्चनर ये था इसलिए किए थे कि प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूजिंग का मनोविज्ञान या व्याकुलता या डिप्रेशन से क्या रिलेशन है आप डेटा को सुनेंगे तो हिल जाएंगे यह स्टडी मेरे संस्था ने करी जिसमें 864 बच्चों को हमने इंटरव्यून किया युगांतर इंजीनियरिंग कॉलेज और बीआईटी के जिसमें यह पाया गया कि लगभग चार दशमलव तीन प्रतिशत लोग सीवियरली इंटरनेट एडिक्शन से ग्रसित है मतलब आप समझ जाइए कि मान के चलिए मोटा मोटा एक हजार में फोर पॉइंट थ्री कितना हो जाएगा एक हजार में फोर पॉइंट थ्री कितना होगा आप समझिए इतने लोग सीवियरली इंटरनेट से ग्रसित हैं एडिक्शन से दूसरा ये है कि 7.7 पॉइंट मॉडरेट टू सीवियरली इंटरनेट से एडिक्टेड है अब ये देखा गया स्टडी में कि ऐसे कौन लोग हैं जो इंटरनेट एडिक्शन से ग्रसित होते हैं जो लोग अपने आप में असुरक्षित हैं, जिनको नींद नहीं आती है जिनको सोशल इनिबिशन हैं। जिनका सेल्फ एस्टीम लो है जो डिप्रेस रहते हैं इन लोग ज्यादातर इंटरनेट को ज्यादा यूज करते हैं अभी आप ये डेटा देखिए दूसरा डेटा ये है कि लगभग 18 से लेकर 30 वर्ष के बच्चे या लोग या जीव आत्महत्या ज्यादा करते हैं जिसमें 29.9 परसेंट जो है यूथ लोग होते हैं और टोटल वन लाख सुसाइड इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइड का गढ़ एक लाख सुसाइड होती है जिसमें अभी तो आप रिसेंट न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कल परसों में कि फार्मर्स से ज्यादा इस बार बिजनेसमैन कोरोना काल में सुसाइड किए ये सुसाइड बहुत चिंता का विषय है कहीं ना कहीं से मानसिक स्वास्थ्य से या अस्वस्थता से जुड़ा हुआ है इस चीज की गंभीरता को समझना पड़ेगा नशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जैसे अभी एक नशा मैंने उभरता हुआ नशा बताया वो है इंटरनेट वैसी और भी नशे होते हैं चरस सफीम गांजा भांग ब्राउन शुगर कोकेन नशीस यामू कमांडर तलब सितारा डी तनुश्री राजश्री माणिकचंद सुहाना आशिकी ये नशा एक ऐसा नशा है कि किसी को पूछना नहीं पड़ता है साहब कि आप मन से मस्तिष्क से कितने तगड़े हैं ये उसका प्रतीक है कि कहीं ना कहीं से आप अपने मन से अपनी भावनाओं से अपने विचारों से अस्वस्थ है तो आप नशे की ओर अग्रसर होके उस तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं जो भी हो लड़कों में आर एस आई पी बी पी एमडी नंबर वन और नीचे चले जाओ पैसा खत्म तो गोवा मसाला ये जितनी भी आप नशीले पदार्थ लेते हैं मैं एक सरल से दोस्ता हूं अपनी क्लिनिक के अंदर में कोई भी मेरे पास आता है और इस तरह की चर्चाएं करता है तो मेरा सवाल एक ही रहता है उनसे मैं तो पहले समझ जाता हूं कि यह व्यक्ति मन से अस्वस्थ है कहीं, है कहीं ना कहीं से कमजोर आप देखिए ना सरकारी आदमी क्यों तंबाकू खाता है मैं ऐसी ठेले में खड़ा था एक दिन मेरे फ्रेंड लोग गए सिगरेट विगरेट फूकने को तो मैं वहीं पे खड़ा था मैं ठेले पे गया नहीं क्योंकि अभी साला डॉक्टर आदमी है नशा मुक्ति केंद्र चलाता है और खुद ठेले में खड़ा टाइप से सामाजिक रूप से गलत है भाई वो तो मैं खड़ा था तो ठेले पे खड़े होके देख रहा था कि कौन कौन सी पन्नी जमीन में पड़ी हुई है तब उसे समझ में आई कहानी तो मैंने पूछा भाई तो दिन में कितनी सिगरेट भी लेता है एक और ये अपना सिविक सेंटर वाला मैंने कितनी सिगरेट बेच लेता है यार दिन में बोले कुछ नहीं डॉक्टर साहब कम से कम 200 से 250 पैकेट निकल जाते हैं अब आप समझ जाइए क्या हाल है मतलब मैं तो इससे ये अनुमान लगा रहा था मैं अपना स्वार्थ बता रहा हूँ मैं इससे अनुमान लगा रहा था कि मेरी दुकान कितनी चलने वाली है जितना बाहर में और ठेले में लोग मिलते हैं ना मैं तो सोचता रहता हूँ कार्ड छोड़ते चले जाओ लेकिन ज्यादा हो जाएगा लेकिन ये चीज को समझना पड़ेगा आज आप लोग के बीच में मैं इसलिए आया हूँ कि आपको एक नए जन्म के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ क्या एक माइक बाहर भी दे दीजिए चलो ठीक है एडजस्टमेंट तो मनुष्य का सबसे बड़ा पावर है सामंजस्य बना के चलना है हमें सर नीचे जाऊंगा तो आवाज आएगी आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवर किसके बारे में हिंदी में क्या बोलते हैं रिबत को नदी पुनर्जन्म आज आप लोगों का क्या होने जा रहा है पुनर्जन्म एक जन्म हुआ है वह जन्म कौन सा होता है पता नहीं। पता नहीं। नहीं। <laughs> मेरे यह अवतार है अवतार है धरती में आया हुआ अवतार आज बीआईटी में तुर तो नाम का है महाराज? महाराजु सोनी सोनी जी महाराज बने एक ताली बजाए पढ़ी सब Hello. हमारा जन्म हो चुका है कि नहीं हो चुका, हो चुका है ये जन्म को क्या बोलते हैं वो कौन से रूप में आए हैं अपन अब टेक्निकल देखो यही चीज है बिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ अब ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है मालूम है ये नहीं कि इंटरनेट सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ को इजी कर सके स्मूथ कर सके जागरूकता होने के बावजूद अब हम टेक्निकल यूज़ करेंगे तो हमारा बर्थ हो चुका है एक बायोलॉजिकल पेरेंट होते हैं जिनको आपने क्या बोला मदर और दूसरे कौन होते हैं भैया दोनों को मिलाएगा तब तो आइटम बाहर आएगा तो यार मोहिल फोकवा समझे हंसते दूसरे होते हैं कौन बताएगा कोई बताएगा दूसरा कौन होता है सर आप सर मैं सर इन्होंने बोला सर तो मैंने कहा सर सर टीचर्स टीचर्स को हम कौन से रूप में देखते हैं देखो बकवास करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है <laughs> बार बार बकवास करना मूर्खता का प्रमाण है एक बार बकवास करने जरूर दूंगा मैं भगवान के रूप में से भगवान के रूप में गुरुजी जी माँ कसम घूसखोर गुरु के रूप गुरु कौन होते हैं अरे वो तो अंग्रेजी गुरु कौन होते हैं जो हम लोग देते हैं हमें गाइडेंस देते हैं बहुत बढ़िया है। और क्या है इनको हम रूप टीचर्स सो स्वीट यू आर सर कोई भी रूप में हो सकते हैं कोई भी रूप में हो सकते हैं मतलब सर ये राक्षस रूप में भी देख सकती हैं में पॉलिटिशियंस और हीरो का जन्म होता है ऐसा बोलते हैं सेकंड पेरेंट्स और थोड़ा नजदीक चलना पड़ेगा एक एक बनती तो है बनती है रे थोड़ा सा ताली वाली व्हाट्स अ नेमक मेरे लंबा ड्राई तो, तो, तो चलेगा मयंक मयंक बहुत कच है कि आगे कुछ हवा टंडन टंडन वो आइटम फसा है क्या <laughs> तो सर ने बोलने में क्या दिक्कत है सकल वैसा नहीं <laughs> अभी इस टंडन साहब की बात रखना इन्होंने बोला सकल ऐसा नहीं है कि आइटम फंसा सके इस पे अपन गहन चिंतन करेंगे क्या करेंगे चिंतन करेंगे टंडन साहब आप तो मेरे कब्जे में आ गए हैं लड़का नहीं लड़की नहीं कुछ तो चलेगा अच्छा ठीक नो प्रॉब्लम तो हम इन्हें ने कहा कि हमारे सेकंड पेरेंट्स है सेकंड पेरेंट व्हाट सेकंड पेरेंट्स टीचर्स को उन्होंने सेकंड पेरेंट्स बोला है सेकंड माइक व्हाट सेकंड माइक एक से आवाज नहीं जा रही मेरी अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मेरे को लगा दोनों लेके बोलना पड़ेगा अपना आईक्यू कम है ना हाँ सेकंड पेरेंट्स इज वॉट दीजिए इनको के बारे नाम बताओ खड़े हो जाओ यार कोई दिक्कत नहीं अपने ही है ये आज पहला दिन है खड़े रहोगे तो नेता बनोगे बैठे रहोगे तो कुर्सी चिपक जाएगी बोलो सिद्धार्थ सिन्हा सिद्धार्थ सिन्हा बोलिए सिन्हा साहब सो फॉर मी टीचर इज एनीवन हु हैज मोर एक्सपीरियंस यस ही कैन पीस को. इसलिए पीस है वो. मन भर के देख लो मैं उनको खड़े होने बोल रहा हूँ हाँ बोलो हाँ थैंक यू बताता हूँ तेरे गुरु को भी चल बोल बेटा वॉट्स अ नेमान बताओ दीपांविता चक्रवर्ती चक्रवर्ती हां बोलो सेकंड पेरेंट्स एस इन गाइडस हु टीच अस एस आवर ओन पेरेंट्स द स्टूडेंट्स हम्म एंड हेल्प अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ वेरी गुड दे गाइड अस इन्होंने एक वर्ड यूज किया था गाइड सेकंड क्या होता है टीचर्स आर आवर सोशल पेरेंट्स क्या है ये हमें सामाजिक तौर पे कैसे जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मार्गदर्शन देते हैं वह गुरु है तो अब हमारा दो है। पहला जन्म हम जैविक माता पिता और दूसरा जन्म हमारा सामाजिक माता पिता तो दिस आर टीचर्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर अस माय पॉइंट अब हमारा रीबर्थ कौन कराएगा टीचर्स ये हमारे सेकंड पेरेंट है आपने बोला ना टंडन साहब ने बोला हमारे दूसरे माता पिता है बराबर है एक जीवन के स्तर में आप दूसरे माता पिता हो गए हमको मिल रहे हैं क्यों अब आगे, आगे तो आज हमारा क्या होने जा रहा है रीबर्थ जोर से बोलो आज क्या होने जा रहा है अभी देखो रीबर्थ कैसे होता है भाई एक बर्थ तो हुआ जिसमें माँ ने दर्द सहा है और दूसरा रीबर्थ में क्या होता है मालूम है हमको दर्द सहना पड़ता है इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं है गुरु आपको ठोकेगा बजाएगा सब कुछ रूपरेखा देगा तुम भी बोमा बोम करोगे गुरु जी के नाम का कि वो चश्मिष्ट है तो पेटलू है तो काना है लेकिन हमको उस पर गौर नहीं करने का है हमको किस पे गौर करने का है ये एक्सपीरियंस उधर से एक शब्द आया था चक्रवर्ती मैडम ने बोला था एक्सपीरियंस उनका तजुर्बा का सम्मान करना पड़ेगा अभी आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे को गुजराती मराठी छत्तीसगढ़ी अच्छे से आती है आई कैन राइट एंड रीड एंड बोर्ड आई कैन डू एनी अभी मेरा को मराठी सिखाने वाला गुरु कौन था मालूम है एक निच बेवड़ा मेरे यहाँ का मामा मामा मतलब मराठी में बोलते थे जो हमारे यहाँ पे मौसी यानी मामा है। जो काम करते हैं ना उन लोग को बोलते हैं तो हॉस्टल का मेरा मामा था वो उसको रोज एक पौवा पिलाने का और मेरे को मराठी सिखाता था लेकिन मैं बेवड़ा नहीं बना ये ध्यान में रखना तो आपको जितनी चीज की आवश्यकता है ये इस प्रांगण से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वह चीज को लेना चाहिए जो आपके जीवन को उज्ज्वल बना सके अब ऐसी बहुत सी परिस्थितियां पैदा होने वाली है रिबर्थ में जिसमें आपको परिवेश भी गलत मिल सकता है भोजन भी गलत मिल सकता है रहन सहन भी गलत मिल सकता है मार्गदर्शन भी गलत मिल सकता है सिर्फ एक ही तरीके से वो आपकी कमजोरी के कारण अब उस पर अपन गौर करेंगे कैन यू गिव स्लाइड प्रेजेंटेशन इज एवरी वन ओके विथ मी इसी तरह चलेंगे थोड़ा और करें कुछ मस्ती मजाक हा प्लीज वॉट नहीं ऐसा नहीं ना

उतारेटिस्फेक्शन <laughs> किस चीज से <laughs> बड़े हो जाने महाराज सर सब जरूरी है उनको क्या क्या जरूरी है जरूर दो चार। बताओ जरा। देखो भैया मैं गुरु जी टाइप हूँ आज मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो इंजीनियरिंग हो तो कोई मतलब नहीं है लेकिन अपन साला जिंदगी का फंडा से खेलते हैं इसीलिए मनोविज्ञान में घुसे पड़े हैं अब इनको जरूरी है संतुष्टि चार पांच चीज संतुष्टि के बताओ जना जहाँ काम कर रहे वहाँ अच्छा सरकार पे आप अभी माइक पकड़े काम कर रहे हो तो संतोष हो मैं भी बोल रहा हूं। तो संतोष है? नहीं नहीं नहीं। नहीं हो तो तो प्रेजेंटली आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो आ, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को दूर देखो इस आदमी को पहचानो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है ये मेरे भाई को देखो दूर से ये आज की डेट में करंट सिचुएशन में मानसिक रूप से अस्वस्थ है मालूम है इस बंदे का बेटा क्या नाम है वर्मा जी शुभम की एक सबसे खास बात क्या है मालूम है जो बाकी बच्चों में नहीं है दैट इज हिज रियलिटी टच उसको एक इनिवेशन नहीं है किसी चीज के सामने में बोलने का अगर मैं किसी दूसरे बच्चे को या बच्ची को उठाता स्टूडेंट को तो वो हिच में चले जाता और इनिबिट हो जाता और शांत होकर शांत बैठ जाता और वो क्या करता मालूम है मेरे ऊपर बॉम्ब छोड़ता है कि डेढ़ हो यार कुर्ता वेरता सूट पहन के आ गया तो ज्ञान बांट रहा है साला पोटी लोग को देख के और नाच रहा है लेकिन द बेस्ट पार्ट इज वॉट हिज आउट ये आपको प्रोफेशनल कॉलेज में बहुत जरूरी है सो फर्स्ट इज वॉट मैडम ने बताया संतोष संतुष्टि हैप्पीनेस और क्या हो सकता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा दूर जा नहीं सकता मैं ए, वो भाई ने हाथ उठाया भाई वो बनती है ना सर अब एक अभी की फोटो ही खिंचवाएगा सर सर वन हु डजंट थिंक व्हाट व्हाट अदर इज थिंकिंग जो व्यक्ति दूसरे के बारे में नहीं सोचता वो मानसिक रूप से स्वस्थ है दूसरा के बारे में ये नहीं सोचता कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में वो अपना काम करता है सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हुए तो और क्या <laughs> देश को विदेश विदेश को देश बना रहा है ये चलते चलते ऐसे नहीं होता राजा बैठ और कोई कोई बता सर Sir, जी सर बताइए सर दूस हो नो वो व्हाट दे आर डूइंग इन देर लाइफ ओके दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय देर ओन सेल्फ व्हाट एल्स हाँ उधर से कोचे से उठाए हाथ थैंक यू थैंक यू माय नेम इस सांग यादव यादव साहब बैठिए धन्यवाद यादव साहब माइक उतारो यार ये माइक बोल रहा हूँ ये उतार बैग उतार कपड़ा नहीं बैग मास्क उतार शर्ट ठीक कर ले आप बता सर, अभी कॉलेज one... में आ गए हैं छोटे टीप टाप रहना पड़ता है गुरु सर सर मानसिक रूप से स्वस्थ वो है जो द वन हु इज रेडी फॉर द लाइफ चैलेंजेस चुनौतियां साला ले वी आई में चुनौती कल से दिखाते हैं तेरे को वेरी गुड गुड आंसर व्हाट एल्स हाँ पीछे भी एक हाथ है मैडम प्लीज हेल्प हिम सर जब तक उनके परिवार और वो खुश नहीं रहते तब तक कोई दिस इज द बेस्ट वन अ बिग क्लैप टू हिम देखिए आंसर का दो पार्ट हमारे पास आ गया है वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ वो है जो स्वयं में खुश है दैट इज जो उन्होंने शुभम ने बताया मैडम ने बताया कि दे आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद देयर ओन सेल्फ सेकेंड उन्हें बताया कि जो परिवार के साथ में रहते हैं उनकी खुशी के लिए और खुद के लिए जीते हैं अब एक पार्ट और रह गया बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट क्या है, है? अब देखो नाम अपने काम से बताओ ऐसे नाम बताओगे तो लोग अच्छा काम नहीं करोगे तो बहुत हंसेंगे इसीलिए एक ही अवसर मिलता है उसको अच्छे से यूज़ कर लेना चाहिए बार बार अवसर नहीं मिलता है आपको एक मौका मिला आप चुक गए अब अपने काम से बताओ नाम से नहीं चलेगा ना मुस्कुराते रहो और बताओ यस वो एक हाथ रह, बहुत लंबा देर से रखा हुआ है अरे वो

एक अच्छा मार्गदर्शन दे करके एक अच्छा नागरिक बनाता है इन आधारभूत कर्तव्यों से बची हुई ऊर्जा से समाज कल्याण करता है वही मानसिक रूप से स्वस्थ है अब ये समाज कल्याण का रोल कहाँ पे आता है तीन पार्ट में प्रोफेशन प्रोफेशनल एंड ये ध्यान में रखिए जब आपने मैथ सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तब आपने प्रोफेशन को चूज किया किसको चूज किया जब आप इंजीनियरिंग कर लेंगे तो आप प्रोफेशनल हो जाएंगे अभी घर में क्या बोलते हैं माय सन इज इन प्रोफेशनल कॉलेज राइट जब आप डिग्री को मास्टर्स डिग्री लेकर के आप जब समाज कल्याण के लिए करने लगेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। यू गॉट माई पॉइंट लाइक like, जब मैंने एम किया मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब तक प्रोफेशनल था आज पैसा भी कमा रहा हूँ और समाज का कल्याण भी कर रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा हूँ आज की डेट में प्रोफेशनलिज्म लैकिंग इसीलिए इतना ज़्यादा मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है मे पॉइंट तो हमें समाज कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए क्यों क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ओके नाउ लेट इस कम टू द पॉइंट मैं कभी भी नीचे आ सकता हूँ अभी उम्र इतनी नहीं हुई है मेरी ये अपन पढ़ चुके हैं थोड़ा मैंने हिंदी में किया ये अंग्रेजी में लिखे हैं ये बताने की कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ नेक्स्ट अब ये देखेंगे मैंने बर्थ रिबर्थ जो टॉपिक ली है वो सिंपल है जब मेरा बर्थ हुआ तो मैं दो तरह से था एक कंफर्ट जोन था मेरा और दूसरा था मैं फ्रीली सब चीजें मेरे को अवेलेबल होती थी कंफर्ट जोन माने प्यार मोहब्बत कोको कोला लव अफेक्शन केयरिंग प्रोटेक्शन एंड मेरी नीड्स जितनी भी हैं वो फुलफिल कौन करते हैं केयर टेकर्स दैट केयर टेकर्स आर वॉट हु पेरेंट्स ये फ्री में मिल रही है हमको इसलिए ना अभी तक इसकी वैल्यू हमको समझती नहीं है वैल्यू कब समझती है जैसे लोग बोलते हैं ना अबे मजे तो हम बाप के पैसे में किया करते थे अभी खुद की कमाई से तो सिर्फ ई भर रहे हैं इसीलिए आप लोगों का वो टाइम चला जा चुका है अब अब दिस इज टाइम इज कमिंग जहां पे आपका रिबर्थ हो रहा है और रिबर्थ के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना तो आप क्या कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं जो पेड़ है पेड़ माने पैसा नहीं पेड़ माने होता है समय किसी मित्रता को या मित्र को आप या अपने पीयर ग्रुप में समय दे रहे हैं बुक्स के साथ क्या दे रहे हैं समय दे रहे हैं सब्जेक्ट को आप क्या दे रहे हैं वैल्यूज दे रहे हैं और समय दे रहे हैं ये हर चीज पेड है अगर इस पेड चीजों को आपने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो आप समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं से खुद को गुमराह कर रहे हैं सी टीचर्स आर गोइंग टू बी स्टैटिक वो इस कॉलेज में हमेशा यहीं रहेंगे बदलता तो स्टूडेंट रहता है और उसके लिए ही हमको पूरा खेल खेलना है आर यू गेटिंग मई पॉइंट यस और नो प्लीज बी लाउड है नहीं तो मैं ही सो जाऊंगा तुम लोग का तो ठीक है मैं भी एक ऐसा आदमी कि स्टेज में भी सो जाता हूँ तो अब अपन नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ये झाड़ का मतलब है कि आपको इस तरह से ग्रो करने के लिए सब तरह के बी आई टी इनग्रेडियंट्स डालने वाली है कि आपको जैसे चुनौतियों को कैसे फेस करना है सेटिस्फैक्शन कैसे प्राप्त करना है हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करना है दूसरों को इग्नोर करके अपनी लाइफ को कितना इंपॉर्टेंस देना है आपको पर्याप्त रूप में पानी मिले पर्याप्त रूप में खाद मिले पर्याप्त रूप में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होए और एक आप अच्छे योग्य समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति बने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसीज अच्छी हो और लाइफ को अच्छे से जी सके ऐसा झाड़ हमको बनना है अब ये इंपॉर्टेंट ये देखिए क्या चीज है ये चित्र से समझ में आ रहा होगा आपको हमारा कंफर्ट जोन कैसा रहता है मम्मी पापा मेरा एक सिंपल सा कहना रहता है बच्चे माँ बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है जोर से बोलो कोई पे में उतारो ना सब स्पाइडरमैन लग रहे यू आर फ्रेंडली नेवर रूड स्पाइडरमैन पापा जिस जोर से बोलिए अमादर प्रोवाइड्स लाइफ एंड केयर टू द चाइल्ड ओके व्हाट एल्स सॉरी संस्कार नो इश्यूज नो इश्यूज लाइफ इज अप डाउन ये कहते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं अगर आपकी रास्ता बहुत स्मूथ है इसका मतलब आप गलत राह में चल रहे हैं रास्ते में अगर अप डाउन है तो क्या है राइट ट्रैक सो मैडम यू आर ऑन द राइट ट्रैक नो इश्यूज सो हम कहाँ पे हैं अभी हम देख रहे हैं संस्कार तो so, मेरा जो मानना है मेरे तजुर्बा है लगभग साढ़े चौबीस साल मुझे प्रैक्टिस करते हो गया है और 1998 में मैंने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी मनोचिकित्सक के विभाग को लेते हुए तो अब ये समझ जाइए कि माँ संस्कार देती है और पिता क्या देते हैं नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य तो 18 आपकी 10 टू 12 इयर्स तक आप कल्चरल बेस्ड रहते हैं कि मैं आपको बोलूंगा ओम भूल भूव तत्सवितुर यो न प्रचोदया लेकिन आपको मीनिंग नहीं मालूम है ये माँ का दिया हुआ संस्कार है मीनिंग आपको बारह तेरह साल के बाद समझ में आती है इसलिए देखो कि ना एथ स्टैंडर्ड के बाद में क्या होता है आपको बड़े बड़े आंसर मिलने लगते हैं और उसको हमको छोटे बनाना पड़ता है क्योंकि हमारी वहां पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है ना आप लॉजिक फंडामेंटल बेसिक्स यूज करते हैं आंसर को मीनिंग देते हैं कंसेप्ट फॉर्म करते हैं छोटा आंसर बनाते हैं लाइन लाइन का आंसर को आप दो या तीन में खत्म करते हैं राइट और रॉन्ग सो ये हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है तो वैसे ही हमारा ईगो का डेवलपमेंट होता है तेरह चौदह साल में किसका ये अभी आगे बताने जा रहा हूं आपको पिता क्या करता है नैतिकता के बारे में बताता है तो आप इस तरह के व्यक्ति बनते हैं और वो आप जाते हैं दोस्तों के बीच में तब आपको वास्तविकता का ज्ञान होता है कि लाइफ कितनी चैलेंजिंग है जैसे वो जनाब ने बोला यस एवरी स्टेप मेरा एक मानना है जिस व्यक्ति के जीवन में तनाव नहीं है वो दो है या तो जानवर है या तो मुर्दा है हमारा जन्म तनाव से हुआ है मेरी मां को तनाव हुआ है तब तो मैं बाहर आया हूं और जिसको तनाव नहीं है उसकी जिंदगी नहीं है तनाव का अर्थ बड़ा सरल है जब मैं तनाव को हटा नहीं सकता तो मुझे तनाव के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए और आदत मतलब यह है कि द रियलिटी एंड आई टू एक्सेप्ट गुड थॉट्स तो मेरी आइडियाज भी उस तरह के होने लग जाते हैं। इसलिए जैसे अभी मान लो मेरा बच्चा है फेल हो जाता है मेरे को खराब नहीं लगता थोड़ी देर तो लगेगा एज ह्यूमन समथिंग रॉन्ग नॉट अ सुप्रीम पावर लव अफेयरताइटम वो बोलते नहीं है अरे मोर जैसे बाटू तो मोर से डबल हसगा तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमको स्ट्रेस पैदा करती है स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है आपकी वास्तविकता और अपेक्षाएं ये दोनों में जब तालमेल नहीं होता है दैट इज एक्सपेक्टेशन एंड रियालिटी जब तक आपकी उसमें तालमेल नहीं रहेगा तो आपको स्ट्रेस आएगा जैसे मेरे को फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश नहीं आती और मैं इंग्लिश बोलने जा रहा हूं इस चीज का मुझे ज्ञान नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरे एक्सपेक्टेशन है कि नहीं आने वाली चीज में भी मैं 100% आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट बिकम्स अ स्ट्रेस एक्सेप्ट द फैक्ट आई डों से नो थोड़ी देर के लिए खराब लगता है लेकिन आप वास्तविकता से जुड़ जाते हैं कि यही सत्य है गॉट मे पॉइंट नेक्स्ट लाइन वाहीदे बी आई टी फोटो लगा दीजिएगा अब आप देखिए अपन बात कर रहे हैं वी मी एंड आई ये तीन फैक्टर हैं जो आपकी जिंदगी चलाने वाले हैं क्योंकि अभी मम्मी पापा कंफर्ट जोन सब बाहर हो गया है राइट और रॉन्ग अभी हम ओला एंजॉयमेंट मोड में डाल काकर फोन बजा थे वाइब्रेटिंग मोड वो बोलीस ना एंजॉयमेंट मोड क्या सेटिस्फेक्शन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं वी मी एंड आई वी मीन्स वॉट फैमिली जो हमको ऑलरेडी आप प्राप्त करके निकल गए हैं वैल्यू सिस्टम कल्चर सोशल वैल्यू कल्चरल वैल्यूज मॉरल वैल्यूज फैमिली वैल्यूज ये सब आप लेके बाहर आ गए हैं अब आ गए हैं किसमें मीनिंग दैट इज महाविद्यालय दैट इज कॉलेज सेकेंड है फ्रेंड्स प्रोफेसर रूममेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो आपके बनेंगे ये आपके है ये खुद के जैसे मैं बोलता हूं ना माता पिता दो तरह की संपत्ति देते हैं एक चल संपत्ति देते हैं दूसरी अचल इमोबल प्रॉपर्टी एंड मोबल प्रॉपर्टी मैं बोलता सब बकवास सबसे body property is, जो रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर रहे हैं बिना किसी को दुख दिए बिना खुद को हर्ट किए दैट इज इससे बड़ा प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है लाइफ में पैसा तो ऐसा है ना कि आज मेरा देख रहे हो कल उतर जाएगा लेकिन मेरा रिलेशनशिप कभी नहीं जाएगा ये हमको वी का पैदा करना है जो आप रिलेशनशिप बनाएंगे टीचर के साथ वो आपका बनाया हुआ है मैं अपने बच्चे को टीचर से इंट्रोड्यूस कर सकता हूं और टीचर मेरे लिए रेस्पेक्ट भी रखता है बट उसको कैरी करना इज माय सन्स वर्क जॉब राइट और रॉन्ग ये आपको बनाना है मैं बोल पहले एमबीबीएस के पहले तक ऐसा प्रमोह था ही नहीं मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आई वॉज द मोस्ट शाही पर्सन लड़कियां बोल बोलते तो साल तीन चार बार बाथरूम जाके आ जाते थे इतना ज्यादा शाही लेकिन धीरे से समझ में आया कि जिंदगी बहुत ऐसी चलने वाली नहीं है एंड ये मेरे टीचर का रूप है जो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे टीचर वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे एंड हैव सीन स्पीकिंग साला वो हजारों आदमी को एड्रेस करते वक्त में एक आवाज निकल जाए बॉस हॉल से एंड आई वाज़ सो इम्प्रेस बाय हिम एंड आज वो चले गए खत्म हो गए पर लोग सुधार गए लेकिन आज मैं उनको जीवित रखने का प्रयास कर रहा हूं और ये आपको आपके टीचर से मिलेगा इसलिए ऑलवेज ट्राई टू थिंक अबाउट यही लाइफ है और कुछ लाइफ नहीं है बॉस ये सब कोट सूट उट जो है ना ये सब बाप का दिया हुआ मसाला है टाइम पास है ये लेकिन ओरिजिनल तो आप ही हैं एंड लास्ट में जो आता है दैट इज मोर देन ट्वेंटी में अपन देखते हैं करियर एजुकेशन एंड डिग्री नेक्स्ट स्लाइड आ अभी देखो अभी मजा देखो अभी अभी मी मी मतलब मैं मैं मतलब अहंकार मैं मतलब ईगो मैं मतलब साला अपन डॉन आदमी है क्या ये टीचर फीचर सब चिंटू पिंटू है मेरे सामने अभी बाप को फोन लगाऊंगा ना तब तेरे को समझ में आ जाएगा अपन को क्या है ये मैं हूं क्या है ये मैं हूं और ये मैं में चार चीजें आती हैं आपकी विचार आपकी भावनाएं आपका व्यवहार और आपके संबंध क्या की चीजें आती हैं सबसे पहले आपके विचार दूसरी फीलिंग्स दैट इज योर इमोशंस भावनाएं तीसरी व्यवहार और चौथा संबंध आप समझो ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके व्यक्तित्व को एक पहचान देते हैं ये जैसे उन्होंने बताया ना क्या टंडन साहब का इनिशियल क्या था टंडन साहब आपका नाम मयंक जैसे उन्होंने बोला ना मयंक मयंक इज मी मयंक टंडन इज वॉट वी एंड मी प्रमोद इज प्रमोद प्रमोद गुप्ता इज मी एंड वी गेटिंग पॉइंट ये इतना सरल परिभाषा है आज से लेकर के जब तक आप अपने जीवन को मुकाम तक नहीं पहुंचाते तब तक सिर्फ मी ही खेलेगा वी को आप घर से लेके आए हैं अब वी मी पे खेलने जा रहे हैं आप अब मी में दो तरह के विचार आएंगे कॉलेज में आने के पश्चात कॉलेज कॉलेज में आने के पश्चात पहला विचार आएगा सकारात्मक कि नकारात्मक पहला थॉट कौन सा आता है नहीं टंडन क्या बोला लड़की नहीं पटा पाऊंगा पहले नेगेटिव पहले नकारात्मक आता है फिर सकारात्मक आता है नकारात्मक रिजल्ट नहीं देता है तो कुछ नहीं बचा चल ले पॉजिटिव हो जाते ऐसा लाइफ चलती है तो अभी आप देखिए जब आप पॉजिटिव थॉट्स को लेते हैं तो आप कैसे रहेंगे सबसे पहले आप अपने गोल जैसे मैं सबका मेरे सबको ये कहना रहता है कि आप इस सभागृह में बैठे हुए वे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में लक्ष्य लेके आए होंगे राइट और रॉन्ग लेकिन क्या होता है मालूम है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बीच में पुलिस वालों के बीच प्रोग्राम कंडक्ट करने गया तो सब लोग रो रहे हैं मेरे पास फैमिली प्रॉब्लम्स हैं बच्चे का है ट्रांसफर है प्रमोशन नहीं है सैलरी नहीं है ये नहीं है अरे मैंने कहा ये क्या नया कहानिया गया सिंपल सी बात है यार जिस दिन आपने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था कुछ तो गोल लेके ना कि देश की क्या करूंगा मैं रक्षा करूंगा अतकम ठीक है लाइव है अच्छा ठीक से बोल रहे कपड़ा वा ठीक रखो लाइव है ऐसी चलता है रे मजाक में जिंदगी तो पुलिस वाले क्या बोले उन्होंने उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम्स मुझे गिला दिया तो मैंने कहा आपने क्या गोल लेके आए थे आप अपने गोल्स को अगर भूल जाओगे तो देन एवरीथिंग विल बी चेंज्ड तो वैसे स्टूडेंट को अपना गोल याद रहना चाहिए कि क्या लक्ष्य लेकर के आप इस विभाग में आए हैं चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे आप मेडिसिन में हो आपको अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए एंड देट इज अ पॉजिटिव था लक्ष्य है कि कम समय में जल्द से जल्द अंडर ग्रेजुएशन को मैं क्लियर करूं और जो बच्चा अपने लक्ष्य से भटकता है या उसका लक्ष्य तैयार नहीं रहता है पॉजिटिव थॉट्स तो उसके अंदर में क्या नेगेटिव नेगेटिव आपको विचार मिलेंगे जैसे टंडन साहब ने बोला अपीरेंस के ऊपर में चिंतित हो रहे हैं वो मैं ठीक नहीं दिखता लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते मेरी तारीफ नहीं करता लेकिन मैं उस लड़के के साथ जाता हूं मैं कि मेरे को क्या परवाह पड़ रहा है यार 150 करोड़ की आ, आबादी में एक जैसा झेरॉक्स आइटम नहीं निकला है तो साला अपन भी अपने आप में एक इफेक्टिव आइटम है मैं क्यों अपने आप को डिफेक्टिव मानू तो ये मैं अपने आप को कमजोर मान रहा हूं ये नेगेटिव थॉट्स है सेकेंड इज इंफिरिटी कॉम्प्लेक्स फॉरगेटफुलनेस लैंग्वेज अभी आप आएंगे ना इधर पे तो बहुत लोग ऐसे जो कॉम्पीट करके विलेज से आए हुए है या अर्बन पॉपुलेशन सब अर्बन पॉपुलेशन विलेज रूरल से आए हैं तो आपको ये सब चीजें ना बहुत इफेक्ट करने वाली है और ये क्या होगा मालूम है यही नकारात्मक विचार आपको आपके लक्ष्य से दूर करती चली जाएगी आप जितनी ऊर्जा आपको लाइब्रेरी में लगानी है जितनी ऊर्जा आपको सब्जेक्ट के कंसेप्ट बनाने में लगानी है जितनी ऊर्जा आपको रेफरेंसेस चेक करने में लगानी है। करने में लगानी है है जितनी ऊर्जा ऊर्जा आपको खुद को प्रेजेंट करने में उतनी आप लगाएंगे टंडे जैसे तैयार होके निकल रहे तेल लगा के परफ्यूम लगा के एक पोटी नहीं देख रही है साला मेरी जिंदगी तो खराब है यार इतना होकर के भी कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को मैंने बोल दिया था कि नेसेसरी uh, को नेसेसरी ऐसा लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज इतनी खराब है लोग उसको मेरी हंसी उड़ा दिए अरे हंसी उड़ा दी तो उड़ा दिए आज उड़ा दिए कल सुधार लेंगे अपन और लाइफ को फिर डायरेक्शन दे, दे देंगे आई एम राइट और रॉन्ग लेकिन यही चीजें आपको नेगेटिव थॉट्स की ओर ले जाती हैं और यही नेगेटिव थॉट्स आपका नॉलेज पुअर कर देंगी आपके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा करेंगी मैं आपको सरल सी बात बता रहा हूं कॉलेज डेज में I was neglected a lot. जैसे वो बोलते ना, मैं बोल नहीं पाता था लेकिन अंदर ही अंदर लगता था कि यार पढ़ने जाओ कोई देखता नहीं मेरे को जो मैं बोलता हूँ लोग सुनते ही नहीं मेरे मैं अट्रैक्ट नहीं होता लाइमलाइट में नहीं आता और दूसरे पोटे पाटे आके जल्दी जल्दी बोल बाल के साले ताम झाम करके चले जाते हैं मैं रात के आके बड़ा डिप्रेस होता था लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया कि बॉस मैं टाइम पास के लिए नहीं आया अपने गोल के लिए आया एंड स्टार्टेड स्कोरिंग मार्क्स तो मेरी आइडेंटिटी बनने लग गई बाकी चीज में जीरो लेकिन जो मेरा इंपॉर्टेंट टैलेंट था क्या था मेरा गोल क्या था उस गोल को अगर खोपड़ी में मैं अंत तक फिक्स तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद जो भी है एज के हिसाब से ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन एज के हिसाब से एक्सप्लोर करना नई नई चीजों को टेस्ट करना जैसे नशा रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर पे जाना ये सब चीज़ की ओर आप अट्रैक्ट होते चले जाएंगे इसलिए बहुत ध्यान में रखना जो व्यक्ति जो जैसे इतने सारे लोग कितना सर फोर एट्टी लोग बैठे ना अराउंड फोर एट्टी लोग बैठे हुए हैं इनमें से बीस आदमी ही स्मार्ट निकलने वाले हैं ऐसा क्यों क्योंकि बहुत से लोग इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे और अपने गोल से भख, भटक जाएंगे और जो अपने गोल पे लड़की आके बोली आई लव यू तो बोल छोटी बैठ अभी पढ़ने का है साला तीन साल बाद मिलेंगे इतना बोलने के लिए भी इतना बोलने के लिए भी ताकत चाहिए क्योंकि सिंपल सा थॉट मेरे दिमाग में है कि गोल मेरे को पहले अपना अचीव करना है सेकंड गोल मेरा फिर पोटी पटाना है थर्ड मेरा सैलरी को देखना है तो ये गोल्स मेरे को प्रायोरिटी वाइज फिक्स करना पड़ता है अगर मान लीजिए मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं कैसे व्यवहार में दिखेगा मेरे को आप बहुत व्याकुलता वाले व्यक्ति रहेंगे एंजाइटी, एंगर रहेगा रहेंगे आप इरिटेबल रहेंगे आप जेलेस वाले रहेंगे आप ये जितनी भी चीजें दूसरे से प्यार मोहब्बत को कोला प्राप्त करने की चाहत आपके अंदर रहेगी जिसको मैं बोलूंगा सांत्वना सद्भावना भिकारीपन कि सब लोग देखो मैं कितना गरीब हूं मेरे को सब लोग ध्यान दो तो ये नेगेटिविटी के इमोशंस है सर और अगर जो पॉजिटिव रहेगा वो क्या रहेगा लो मन रहे मस्ती में आग लगे कूल cool रहने का रिलैक्स रहने का कोई गाली भी दिया तो क्या बोलने का छोटू ये तेरा प्रॉब्लम है मेरा नहीं और जो रिएक्ट करता है ही इज इमोशनली डिस्टर्ब यो गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि मैंने दिमाग में एक चीज रखा हुआ है दैट इज वॉट माई गोल उसके लिए सब कुर्बान है लक्ष्य को जिसने फिक्स करके रखा हुआ है उसके लिए सब कुर्बान है जैसे बोलते हैं ना प्यार अंधा है अपन ने एक सूत्री कार्यक्रम रखा है वो पोटी मेरे को चाहिए वो पोटा मेरे को चाहिए आई लव यू इल्लू इल्लू <laughs> तो आप क्या करते हैं जब आपने उस लक्ष्य को तैयार किया है तो आप माँ बाप को भी हटा देते हैं अरे चल ना भीख मांग के खा लेंगे प्यार तो अपना अमर हो जाएगा मतलब कितने बड़े बड़े आप स्टेप्स लेते हैं सिर्फ एक लक्ष्य के लिए कि वो मेरे को कैसे भी करके वह जीव मुझे मिल जाए तो वैसे ये रहता है कि ये निर्जीवी चीज है दैट इज वॉट गोल दैट इज वॉट लक्ष्य ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुर्बानी पे कुर्बानी दी जाती है जैसे स्वतंत्र दिवस में लोगों ने कुर्बानी दी तो आज हम स्वतंत्र हैं वैसे आपको नेगेटिविटी की कुर्बानी देनी है तब जाकर के एक पॉजिटिविटी का जन्म होता है Next slide. एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में था कि डिप्रेशन क्या होता है कोई बता सकता है डिप्रेशन क्या होता है ये जरूरी नहीं है कि आप अगर डिप्रेशन के बारे में बोल रहे हैं तो आप अवसाद से, से अब ऐसा होएगा तो मैं मानसिक रोग के बारे में मतलब बोल रहा हूं मतलब मैं मेरा ऊपर का माला गया हुआ ऐसा नहीं है कोई बता सकता है डिप्रेशन क्या है मैडम माइक प्लीज ओवर थिंकिंग एल्स तनाव, एक खत्म खेल कौन से परिवार के हो गुप्ता अब खतम खेल श्याम है राम है किसका लड़का है किसका पोता है, तनाव खलम खेल आगे बोल भाई लोनलीनेस एल्स मेंटली साउंड नहीं रहता मतलब डिप्रेस मूड एल्स

तो AI, तो सर, तो ने बोला फिर क्या ये पूरा है मेरे बाप सर, artificial intelligence, सर वो जिसको हम लोग सामने रख सकते हैं उसको बना सकते हैं लेकिन सर जो डिप्रेशन से जो से ग्रसित रहते हैं वो ऐसे चीज में जीते हैं जो उनको कभी मिल नहीं सकता मतलब उनका कहने का एक सरल बैठिए सर उनका एक सरल सा कहने का मतलब है कि जो मैंने डिस्कस किया था ना एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी ये दोनों में मैच नहीं होता है अभी डिप्रेस कौन है अपन नॉर्मल बोलते हैं ना आज बोर हो रहा है मूड अच्छा नहीं है उदास लग रहा है राइट और रॉन्ग इसका मतलब मैं डिप्रेस्ड हूँ क्या नहीं मेंटली रूप से हेल्दी वो नहीं है जो व्यक्ति हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर में एक समय दिया गया है जैसे लो मूड फटिकेबिलिटी जैसे थकान आना वजन कम होना या ज़्यादा होना 10 टू 15 परसेंट टोटल वेट आइडियाज ऑफ हेल्पलेस होपलेस वर्थलेस भविष्य अंधकार में दिख रहा है मेरा कुछ मूल्य नहीं है और मैं बड़ा है महसूस कर रहा हूं आत्महत्या के विचार आना सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो जाना आत्महत्या करना या उसके जैसे विचार आना लो सेल्फ एस्टीम ये जितनी भी चीजें अगर कहीं पंद्रह दिन तक लगातार प्रेजेंट है कितने दिन तक तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको एक चिकित्सक की जरूरत है डोंट वेस्ट टाइम मैं तो सिंपल कहता हूं जैसे आपको फिजिकल प्रॉब्लम है वैसे मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं एक ही जीवन मिला है यार एक जीवन उसको इस तरह कैसे बर्बाद कर दू मैं ये मेरा डिसीजन है मी मी ये मेरा डिसीजन है कि मेरे को दुखी नहीं रहने का है अभी जब नहीं रहने का है और मेरे को दुख हो रहा है तो प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ेगा इधर यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स यू कैन टॉक टू यी मेंन टॉक टू यो फील हो रहा है साइकोलॉजिस्ट हो साइकैट्रिक नर्सेस हो वॉट काउंसलर्स हो, हो आप उनसे मिल सकते हैं लेकिन मैं डिजर्व नहीं करता रोना ये प्रमोद ने डिसाइड किया है आर यू गेटिंग पॉइंट जब आपने डिसाइड किया है कि मेरे को फेल नहीं होना है तो आप क्या करेंगे मेहनत करके पढ़ाई करेंगे रेफरेंसेस लेंगे लाइब्रेरी में जाएंगे सीनियर्स के साथ बैठेंगे सीनियर्स की जूते खाएंगे जिसको हम रैगिंग बोलते हैं Are you getting my point? And ultimately, आप उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं सो डिप्रेशन इज वेरी कॉमन डोंट वरी अबाउट इट आप एक देखेंगे भगवान दशरथ का निधन भी डिप्रेशन में हुआ है राम छोड़ के चले गए थे बॉस निपट गए तो ये सबके सिचुएशंस में आएंगे और इस लाइफ को फेस करना है जैसे भाई साहब ने बोला चुनौतियाँ यही सब चैलेंजेस ऑफ लाइफ हैं मैं बोलता हूँ जिस व्यक्ति के पास में जैसे उन्होंने बोला तनाव जिस व्यक्ति के पास में तनाव नहीं है स्ट्रेस नहीं है वो आदमी क्या करेगा पुराने जमाने में बोलते थे टाइम पास फल्ली करो और आज क्या बोलते हैं आर एस आई पी बी पी एम डी नंबर वन दो पैक मारो मस्त बैक पैक और चार तो चार यार मिल जाए तो बैक पाइवर हो मेरे साथ ये सब चलता है आजकल सो दिस इज द चेंज ट्रांसफॉर्मेशन अभी आगे अपन आ रहे हैं उसमें तो आप देखेंगे बिहेवियर के अंदर में आपको क्या दिखेगा उनका व्यवहार उनका व्यवहार में क्या दिखेगा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखेगा अगर वो पॉजिटिव है तो उनके आत्मविश्वास भरा रहेगा उनके अंदर उनके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसीज अच्छी रहेंगी क्योंकि वो रिलैक्स हैं कूल है न्यूट्रल cool है, है तो आदमी फटफट फटफट फट, फट, सॉल्व करता है नहीं होगा ना तो दूसरों से हेल्प लेगा अपने अचीवमेंट के बारे में सोचेगा वो वो क्रिएटिव रहेगा और वो क्रिटिकल एनालिसिस करता है वो। क्रिटिकल एनालिसिस गुड एंड बैड, दोनों को बराबर से जानकारी में रख करके जो निर्णय लेगा क्रिटिकल एनालिसिस ये तभी पॉसिबल है जब आपकी सोच में पॉजिटिविटी है आपकी भावनाओं में पॉजिटिविटी है तो वो समाज क्या देखता है व्यवहार और साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक क्या देखते हैं भावनाएं और विचार तो समाज में क्या व्यक्त हो रहा है आपका व्यवहार आपके व्यवहार से आपकी भावनाओं का और आपके विचारों का हम जानकारी ले सकते हैं अब अगर कहीं आप नेगेटिव हैं तो आपका बिहेवियर कैसे हो जाएगा देखिए आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे गुस्सा करेंगे मैनिपुलेटिंग रहेंगे कोई भी चीज में सीधा आंसर नहीं सब में आप टाल मटोल करके बात करते रहेंगे आप में बंक चल रहा था, ले दे के तो जाला वाला साफ हुआ है दो साल में आप लोग बैठे तो शायद सीट साफ हो गई होगी इसके पहले दो साल तक तो कोरोना काल में यही चीज की बजी हुई थी अब लेकिन बंक नहीं करने का है ये क्लास बंक की बात कर रहे तो ये आपके बिहेवियर में दिखने लगेगा आप अगर इमोशनली अनस्टेबल हैं आपके थॉट्स अगर नेगेटिव हैं तो आप क्लास बंक करेंगे एबनॉर्मल सेक्शुअल बिहेवियर पे जाएंगे एडिक्शन पे जाएंगे और गैंग बनाएंगे आप देखो उधर रिलेशनशिप कैसे बनेगी बैड कंपनी फॉर्मिंग गैम गैम्बलिंग टीजिंग प्रोस्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल ये नेगेटिविटी की हो रहे हैं पॉजिटिविटी अगर रहेंगे तो अच्छे लीडर गुड कंपनी टीचर्स के साथ समय बिताना अपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट करना हाँ सीनियर से ध्यान में आया रैगिंग कोई बता सकता है रैगिंग का जन्म कैसे हुआ हा? नो उसका जन्म हुआ फ्रस्टेशन से मतलब बाप जो है मां को रोज रैगिंग लेता है और मां मतलब पत्नी पति की रोज रैगिंग लेती है प्रिंसिपल शर्मा मैडम गई ना चली गई ना आप बोल सकता हूँ वाइस प्रिंसिपल अपना फ्रस्ट्रेशन जो है रैगिंग संतोष सार के ऊपर सर के ऊपर निकालेगी नो मैडम दैट इज नॉट फ्रस्ट्रेशन 1873 में मिलिट्री के जो लोग थे उन लोगों में ये चीजों का चलन चालू हुआ रैगिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि अपने जूनियर्स को थोड़ा बहुत अपमानित करके उनके अंदर में एक नई ऊर्जा का जन्म देना ताकि वो आक्रोश आवेश में आकर के ऐसा बड़ा काम करें अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये वहां से रैगिंग का जन्म हुआ प्रकोप अब लेकिन रैगिंग वो जो मैडम ने बोला ना वर्ड फ्रस्ट्रेशन उसका रूप निकल गया है जिसके अंदर नेगेटिव थॉट रहेंगे जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस रहेंगे जिसकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी जिसको अपनी लैंग्वेज में कमांड नहीं है जिसकी कॉम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है जिसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है जिसके अंदर में गोल नहीं है ऐसा व्यक्ति बैड कंपनी में रह करके अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरों को जलील करेगा ह्यूमिलिएट करेगा नेगेटिव दिखाएगा चुन के क्योंकि मैं उनसे ऊपर हूं उस जूनियर को बुला ज्यादा देढ़ होशियार बनता है एंड दैट ह्यूमिलिएशन बिकम्स नेगेटिव पार्ट इसलिए ये एंटी रैगिंग कमेटी आई बट रैगिंग की परिभाषा मैंने बहुत दी है रैगिंग ंग well, से डरना नहीं रैगिंग एक ऐसी परिभाषा है जिसमें खुद को और दूसरों को बिना हर्ट किए जो ह्यूमर पैदा होता है और वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना देता है किसी को ह्यूमिलिएट करके कभी नहीं हो सकता अभी बोल दिया चल गाना दे गाली दे ये कर मोरबन के नाच ये सब टाइम पास है इसमें ह्यूमिलियशन नहीं है एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश कर रहे हैं आई वॉज द पर्सन जो बेस्ट ट्रैकिंग देता था और आज ऊपर की पांच और नीचे की पांच बैच मेरे को जानती है आज यार वो साला छोटू खतरनाक आइटम है क्योंकि everyone used to laugh with me. मैं तो समझ गया था कि लाइफ में बहुत सी दूसरा मौका मिलेगा नहीं और कोई किसी को पर्सनल लेवल पे नहीं करता करता भी तो कर लेना छह महीने तो कर रहा है भाई छह महीने बाद तो मेरा भी पद बढ़ेगा तब देखूंगा छोटू तेरे को राइट और रॉन्ग बट डोंट टेक इट नेगेटिव एंजॉय रिलैक्स रहो कूल cool रहो ह्यूमर को यूज करो उसको इतना एक्सेप्ट कर लो कि ये लाइफ में सेकेंड टाइम नहीं मिलने वाला है योर गेटिंग माई पॉइंट तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर जितने आप नेगेटिव रहेंगे सिंपथी रिप्रोडक्टिव नेगोशिएटिव एंड एसेटिव खुद को प्रेजेंट करने के लिए आप पॉजिटिव रहेंगे रिलेशनशिप में इसलिए मेरा एक हमेशा कहावत रहती है जो बच्चा अपने रूम पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं है वो अपनी वाइफ या दूसरे पार्टनर के साथ भी हैप्पी नहीं रह सकता ओनली सेक्स चेंजेस बट बाकी सब चीजें एक जैसा रहती है अगर मैं अपने रूम पार्टनर के साथ खुश हूं तो मैंने पूरी विधि विधान से हर तकलीफ को झेला है अपने रूम पार्टनर के सब गंदगी से लेकर अच्छी से बुरी चीजों को झेला है अभी सिर्फ पत्नी तो आ गई है उसके साथ भी सेम एडजस्टमेंट जिसका वो एडजस्टमेंट नहीं है ना कुछ नहीं है लाइफ में ये अपना फंडा है जानने का नेक्स्ट स्लाइड अब देखिए गोल क्या है एक लक्ष्य छोटा लक्ष्य बड़ा लक्ष्य मध्यम लक्ष्य और बड़ा लक्ष्य छोटा लक्ष्य मेडिसिन ज्वाइन करना है थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य अच्छे मार्क्स स्कोर करके मेरे को मेडिसिन निकालना है बड़ा लक्ष्य आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड डॉक्टर विथ फुल नॉलेज ये कब पॉसिबल है जब आपके अंदर में अनुशासन हो कॉलेज लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज वॉट डिसिप्लिन अभी बीच में क्या हुआ मालूम है मैं एक हॉस्पिटल पे गया और एक गार्ड ने मुझे रोक दिया देखो कैसे गड़बड़ होती है साला अंदर से ईगो लग गया रे एकदम डॉक्टर प्रमोद गुप्ता को रोक दिया तेरा अस्पताल के मालिक को जानता हूं मैं इस टाइप की लैंग्वेज होने लग गई मेरी सडनली स्ट्राइक हुआ मेरे को समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग मैंने चुपचाप जाके गार्ड की कुर्सी में बैठ गया व्हाट इज दैट डिसिप्लिन को फॉलो करना उसका रोल ही नहीं है रे गार्ड को तनख्वाह उसी मिल रही है क्योंकि वो अनुशासन को बना सके और मैं अनुशासन का उल्लंघन करूंगा जैसे बच्चे कॉलेज में करते हैं मैं भी किया हूं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं किया हूं लेकिन इतना नहीं किया हूं जितना इंजीनियरिंग वाले करते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ रेप वन इज फिजिकल रेप एंड मेंटल रेप हम लोग एक्सपर्टाइज है मेंटल रेप में बैठा करके बैंड बजा देते हैं बाकी शारीरिक शक्ति में एकदम तो खाखड़ू है रहे दुबले पतले सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट गोल गोल हैज टू बी डिसिप्लिन आपकी वैल्यू सिस्टम जो लेके घर से आए हैं उसके साथ मिलकर के गोल को प्राप्त किया जा सकता है दैट इज सोशल वैल्यू कल्चरल वैल्यू फैमिली वैल्यूज मॉरल वैल्यूज इज वैल्यूज में बोलते हैं बच्चे बोलते हैं। जो भी काम करना है आप अपने मूल्यों के अंतर्गत रहके करें उसको आनंद की परिभाषा में लिया जाएगा एंड एडिक्शन इज सेल्फ रेप एडिक्शन इज वॉट स्वयं का बलात्कार करना आप लिकर ले रहे हैं कैनबीस ले रहे हैं वीड ले रहे हैं गांजा ले रहे हैं अफीम ले रहे हैं जो भी नशा कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप बॉडी के अंदर की ऑर्गेन्स को डैमेज पहुंचा रहे हैं इसलिए आपको एड में दिखाता है ना इतना टार फूकने से निकलता है एक सिगरेट से सात एलव मरती है आप अगर 20 साल सिगरेट पिएंगे तो वैसे ही लंग्स फाइब्रोस हो जाएगा ये भी एक प्रकार का रेप है जान करके रेप करना कितने बड़े बुद्धिजीव होते हैं ये वाह दारू पी रहे वाह जान करके कि मेरे को नशा आएगा अबे नशा आएगा लेकिन अंदर तेरा कलेजी डैमेज हो रहा है छोटू चालीस लाख का ट्रांसप्लांट होगा बाद में फूकेगा तो साला हार्ट से कूट जाएगा जयवीर हनुमान बन के घूमेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट इट्स अ रेप सो बेटर मेरा सबको यह कहना रहता है कि कुछ भी चीज करें आप अवेयर होके करें इसकी जानकारी आपको संपूर्ण होनी चाहिए दैट इज वॉट क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए मैं किसी को नशे से मना नहीं करता लेकिन नशा ऐसा ना करो कि आपको हार्म पहुंचाए समाज को हार्म पहुंचाए या परिवार को हार्म पहुंचाए उसके बाद जो करना है करो ना क्योंकि अपन सब सामाजिक प्राणी हैं। लाइब्रेरी में ज्यादा समय बिताना और एक्सप्लोरेशन ऑफ गोल मतलब जो लक्ष्य आपने तैयार करके रखे हैं उससे रिलेवेंट चीजों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना मतलब मैं आपको बोला ना मराठी सीखने के लिए मैंने मामा के साथ बैठा वैसे क्या होता था मालूम है जो आप बोलते हैं ना सीनियर साहब की पिटाई करते हैं अरे मैं बोलता साला ठर की सीनियर भी है कोई वादा नहीं रहे उसके अच्छे गुण जो है वो ले लो ना साला उसके जितना लॉजिक फंडामेंटल्स किसी को नहीं आता है वही चीज को एक्सेप्ट करने का बाकी उसके साथ टाइम पास करके निकल जाओ क्योंकि दैट विल हेल्प हर उस चीज को हर तिनके को इकट्ठा करना है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग करे बट हमारे पास अधिकार किसी के ऊपर नहीं है कि हम किसी को नेगेटिव बोले वैसे आप देखेंगे जो व्यक्ति डाइवर्स हो जाते हैं या ट्रैक से बाहर हो जाते हैं गोल के लिए वो एडिक्शन में चले जाएंगे मेरी तो जिंदगी की वाट लग गई है कुछ नहीं कर पा रहा हूं कुछ सो नहीं पा रहा हूं कोई लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं मुझे इंग्लिश भी नहीं आती मैं तो कैसे भी करके जिंदगी चल रहा है मेरा बाप गरीब है मेरे पास वो सामान नहीं है वो गाड़ी नहीं है फुल ऑफ नेगेटिविटी कभी नहीं बोलेगा जो मेरे पास है जो शुभम ने बोला कि मैं संतुष्ट हूँ सेटिस्फाइड हूँ कि जो है वो सबसे बेस्ट है वो सिर्फ नेगेटिविटी करेगा मालूम है ना किसी को भिखारी या गरीब बनाने के लिए दो शस्त्र भारी है सांत्वना और सद्भावना किसी को बेचारा बोल दो ना उसका आत्मविश्वास वैसे ही खत्म हो जाएगा बेचारी तो सब लोग नॉट पिकअप नाउ तो कभी खुद होके भीख ना मांगो यार बेचारे की कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बैठी हुई है और उन व्यक्ति के उस दोस्त के साथ उस टीचर के साथ उस मित्र के साथ रहो जो आपके अंदर एक सकारात्मकता का किरणों को जगाता है नेगेटिव मिलने वाले से कभी बात नहीं करना लेकिन सलाम दुआ सलाम करते रहना यू गेटिंग माई पॉइंट अब देखिए इजिली डिस्करेज होते हैं ए, ये तो कोई काम की नहीं है मैं तो कोई काम की नहीं हूं इजिली डिस्करेज आपको कभी भी मैं डाउन कर सकता हूं ऐसे लोग गोल से डायवर्ट हो जाते हैं जिनका लो कॉन्फिडेंस है जो फेल से डरते हैं अब्दुल कलाम साहब की एक बात याद में आती है क्या फेल का डेफिनेशन क्या बताया उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग एफ ए आई एल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग प्रयास ही नहीं करोगे दर्द नहीं सहोगे तो फिर उसका आनंद कहाँ से लोगे भयभीत किस चीज का भय उस चीज से होना चाहिए जब आप अपने मूल्यों के विपरीत जा रहे हैं या आप दूसरों को तकलीफ देके कोई कार्य कर रहे हैं उससे भयभीत होना चाहिए हम तो बेश्रम टाइप आ जाते हैं भाई हाँ ठीक है आज आपने हमको मौका दिया हम आपके सामने बड़बड़ कर रहे हैं हम तो नहीं सोच रहे कौन क्या सोच रहा है वो आपका प्रॉब्लम है कोई आदमी सोच रहा होगा कि डिंगे मार रहा है बैठ करके कोई आया होगा काम की बात कर रहा है कोई बोल रहा होगा ये सब मनोचिकित्सक ऐसे ही होते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन यूअर पॉजिटिव नेगेटिव योर इमोशंस आर यू गेटिंग पॉइंट यू आर गोइंग टू ग्रैप द थिंग्स यही क्लासरूम में चलता है जो आपको लक्ष्य तक प्राप्त करने में हेल्प करता है तो ऑल थिंग पॉजिटिव लिव अ पॉजिटिव लाइफ एंड एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिविटी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो आपको हमेशा मैडम जो कह रही थी ना हैप्पीनेस वही चीज मेन है लाइफ में एंड वो चक्रवर्ती मैडम बोले जो बोला पीस शांत सब कुछ आपका है संसार में धीरज और धैर्य से बैठे रहिए जितना तेज भागोगे उतनी जल्दी गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी जितना आप स्टेबल चलते जाओगे उतना बैलेंस चलते चलाओगे नेक्स्ट लाइफ अब देखिए आई हम उस स्तर पे आ रहे हैं कि जहां पे आई आई मतलब क्या हो गया अब खुद मैं अपने करियर को मैंने प्राप्त कर लिया है मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है अब मुझे सोसाइटी में उतरना है किस चीज से जाऊंगा मैं सबसे पहले माय ड्यूटीज लोग आके मेरे पास रोते हैं डॉक्टर साहब मेरा पोटा कुछ नहीं कर रहा है मेरा हस्बैंड शराबी है मेरे फादर इन लॉ खराब है मेरी बेटियां सुनती नहीं है समाज के विपरीत जा रही है तो मैं क्या करूं तो मदर फादर क्या करते हैं मालूम है क्या करते होंगे बोलो टंडन साहब प्राण ले लेते हैं इंस्पेक्शन रेस्ट्रिक्शन लाते हैं और वेरी गुड और क्या जोर से बोलो <laughs> इतना डेस्परेट एंड फ्रस्ट्रेटेड लड़के को तो दर्शन करना पड़ेगा कि साला उसका गोली चक्ता भी हाव है <laughs> भाई वो सब देख मैं यही बोलता हूं यंगस्टर्स को यूथ को मेरे कहने की बात है लाइफ में सब कुछ आपके लिए डिफाइंड है सिर्फ आपको धीरज और धैर्य रखना है प्री मराइटल सेक्स इज इक्वली बैड सेक्स एव डेथ ऑफ ध्यान में रखना उतने ही दुखदायी होता है आपको फिजिकल रिलेशनशिप उसी के साथ बनानी है जब आप अपने गोल को अचीव करके लक्ष्य को प्राप्त करके आप जिनके साथ पूरी जीवन बिताने जा रहे हैं ये सब हंसी मजाक चलता है उसमें कोई गलत भी नहीं है हम भी करते हैं हम भी पोट्टे हैं रे, हमारे अंदर भी दस्ट हुए इंद्रियाएं खेल रही हैं लेकिन वैल्यू सिस्टम उन चीजों को कंट्रोल करके रखती है समझा छोटू करेगा भी हाव पोटे से पट्टी से डिसाइड करके बता ये तो नॉर्मल लग रहा है मेरे को जस्ट अ ऑफ़ का नींद खुल गई ना अब अपन देखो सेक ड्यूटीज मीन व्हाट हा तो पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं बच्चे का ये बच्चे का वो ये वो मेरा एक सिंपल सा कहना है यू डू यूर ड्यूटीज ऑनेस्टली ड्यूटीज में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता कोई बार्गिन इट्स लाइक अ फिजिक्स एंड मैथ्स एक फॉर्मूला बना है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते एज अ ड्यूटी डॉक्टर की क्या है मेरे को हंड्रेड परसेंट देना है एज अ ड्यूटी फादर मेरा ड्यूटी क्या है मेरे को अपने पुत्र के लिए जो बेस्ट कर सकता हूं वो करके देना है एज अ मदर मेरी ड्यूटी क्या है ये डिफाइंड है अब इसी ड्यूटीज में बच्चों के लिए तीन पार्ट आती है कि टू नो हिज एबिलिटी टी नो हिज लाइबिलिटीज एंड टू नो हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक अपने हुनर का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कहा मुझे करना आगे बढ़ना है कहां मुझे नहीं बढ़ना है मुझे पूरी चीज की अपने उम्र के हिसाब से जवाबदारी लेना है दैट इज लाइबिलिटी और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा मैं इसका प्रण लेना है अब इसी के संदर्भ में एक नकारात्मक चीज प्रेजेंट करता हूं मैं एक लड़की मेरे पास आई क्लिनिक में और रोने लग गई। डॉक्टर साहब मैं फेल हो रही हूं। मेरा बाप बहुत गरीब है उन्होंने लोन लेके मेरे को पढ़ा रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति घर की इतनी अच्छी नहीं है सब पैसे मेरे ऊपर लगा रहे मैं उसको देखते गया मैं मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यार उसका लेकिन आप देखिए आपकी उम्र के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी क्या है क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पढ़ाई से को ठीक से पढ़ना संस्कारों को समझते हुए अपने लक्ष्य को निर्वाह करना एज सॉरी अचीव करना राइट और रॉन्ग उस लड़की में नेगेटिव आस्पेक्ट क्या था कि वो अपनी खुद की लाइबिलिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी की छोड़ के बाप की लाइबिलिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दे रही है। अरे मैंने कहा बेटा तू अगर पढ़ के पास हो जाएगी और गोल्ड मेडल ले आएगी ना उस भिकारी बाप को भी लगेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ चीज को प्राप्त किया है कि तेरे को जन्म देकर मैंने संसार में सब कुछ पाया है राइट और रॉन्ग दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ और हम उल्टा करते हैं आई टेल टू माई सन एज वेल द सेम थिंग कि बोला भाई तेरे को प्राइवेट में जाने का है क्या करने का है बोले नहीं मेरे को अपने को बाप का पैसा नहीं लेने का है इतना पैसा नहीं अरे मैं अपना ड्यूटी करूंगा भाई मैं साला अंगूठी बेचू घड़ी बेचू गाड़ी बेचू घर गिरवी में रखू तेरे को क्या वॉट इज यूअर ड्यूटीज ऑफ लाइफ यू टेल मी राइट नाउ टू अचीव योर गोल टू गो टू लाइब्रेरी टू हैव अ गुड कंपनी टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर ओन सेल्फ कि वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ एंड डू योर ड्यूटीज ऑनेस्टली तू ला के देना मेरे को गोल्ड मेडल साला मेरी दो सेकंड में गरीबी खत्म हो जाएगी अब एक तो खुद नहीं पढ़ रहा है खुद रो रहा है कि बाप मेरा भिखारी हो गया खुद भी फेल हो रहा है मेरी तो बज रही है खुद की बजा रहा है और जैकपॉट लग रहा है राइट और रॉन्ग इसलिए क्लियर रखो ये बात को आपकी ड्यूटीज क्या है इस चीज का आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और अपनी ड्यूटीज को उम्र के हिसाब से पद के हिसाब से निर्वाह करनी चाहिए सो so, मैक्सिमम जो वर्ड यूज किया ना आपने स्ट्रेस मैक्सिमम टाइम आपका स्ट्रेस लेवल न्यूट्रल रहेगा और प्रेजेंट में रहने का ये मेरी कहावत है फ्यूचर इज डेथ क्या है बोलो जोर से पास्ट इज माई बर्थ ट इज माई लाइफ आज मैं आपके साथ हूं यही जीवन है हॉस्पिटल घर परिवार ये कोई काम का नहीं अभी जहां पे हूं मैं वही कहाट इज वॉट लाइफ इज अगर यहां बैठ के मैं हॉस्पिटल का सोचूंगा घर का सोचूंगा बच्चों को सोचूंगा तो आप मेरी एफिशियंसी और कार्य करने की क्षमता को भी क्या देखेंगे अरे अरे बकवास आदमी कुछ भी बकवास करके चला गया नो पोटेंशियल नो इफेक्टिवनेस नथिंग तो जब आप बी में हैं तो समस्याओं का समाधान के बारे में न सोचें आपकी समस्या सिर्फ आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को ईमानदारी से स्वेच्छा से समय पे निर्वाह करते हुए अपने लक्ष्य को क्या करें प्राप्त करें एंड दैट इज वॉट योर ड्यूटी इज राइट नाउ सेकेंड पॉइंट आता है रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट कभी खरीदा नहीं जाता आप जैसे वो साहब को मैंने बोला ना नाम और काम आपके काम से आपके अनुशासन भरी जिंदगी से आपके मूल्यों के आधार पे किसी भी जीव के अंदर में एक आदर सम्मान की जो भावना पैदा होती है वही ओरिजिनल है तो आप जितना बड़ा काम करेंगे उतना मुझे झुकने की इच्छा होगी आपके सामने विनम्र होने की इच्छा होगी कि और मैं इनके साथ सॉफ्ट रहूं जेंटल रहूं क्योंकि ये आत्मा ही बड़ी पवित्र है समझे साहब इसलिए काम जरूरी है काम माने आपका कर्तव्य इस समय क्या है ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए रेस्पेक्ट नॉट बी परचेस्ड रेस्पेक्ट कम्स फ्रॉम योर कर्मा योर बिहेवियर योर इमोशंस योर पॉजिटिव थॉट्स एंड यूर गुड कंपनी एंड गुड रिलेशनशिप्स एम आई मेकिंग यू क्लियर अब जैसे आप ये है स्मॉल टास्क टू बिग टास्क क्या करते हैं बच्चे अब टास्क हम कैसे फिक्स करते हैं गोल को एक दिन में पंद्रह चैप्टर खत्म करूंगा को, को दादा नहीं कर सका छोटा छोटा टास्क बनाने का कि आज एक पेज पढ़ूंगा कल दो पेज पढ़ूंगा भले दूसरा आके बोलेगा मेरा तो तीन चैप्टर खत्म हो गया हो गया तेरा तो तू तो करना भाई मैं आराम से पढ़ूंगा तो जितना छोटी छोटी चीज को इकट्ठा करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ना वो फिर शुभम की जैसे फीलिंग्स या मैडम के जैसे फीलिंग्स या शब्दों की विचार आएंगे जैसे जिसको बोलते हैं आत्मसंतुष्टि या आत्म तृप्त लक्ष्य को इतना बड़ा न रखो कि आप खुद कमजोर या भयभीत हो जाओ या आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाए आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाए आप अपने आप को खुद डिवेल्युएट कर लो सेल्फ वैल्युएशन आपका कमजोर हो जाए नहीं साहब लक्ष्य भी छोटा छोटा रखना चाहिए छोटी 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 दस दस रुपए इकट्ठा करके सौ रुपए बनाओगे ना ज्यादा मजा आएगा बनस्पित में आपको सौ रुपए एक साथ दे दूंगा तो बोलोगे तो फोकट में मिल गया इसलिए आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव थॉट्स आपके अचीवमेंट की ओर ले जाता है नेगेटिव थॉट्स आपके लक के आधार पे आपको सक्सेस दिलाता है वो तो आगे आपको बताऊंगा मैं रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब मेमोरी कैसे बढ़ाना है मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ सुनना है मेमोरी कैसे बढ़ाना है इतने लोगों को सुनना है तो चलो कोपचे में कि सबको सुनना है हा मेमोरी लॉस करके कोई चीज नहीं होती मेमोरी लॉस की कोई दवा नहीं होती याददाश्त की कोई गोली नहीं जितना है उच्च कोटी का बकवास है सब स्प्राइट पियो सीधी बात नो बकवास उस टाइप का माल है वो मेमोरी अगर हेड इंजरी हुई तो जाएगी अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन किए तो जाएगी ब्रेन में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो जाएगी ये मेमोरी आपकी लॉस होगी बाकी मेमोरी कैसी जाती है मालूम है जब आपका फोकस अटेंशन कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो मेमोरी भी नहीं होएगी मेरा एक फॉर्मूला है फोकस मल्टीप्लाई बाय टू बिकम्स अटेंशन अटेंशन मल्टीप्लाई बाय टू बिकम्स कंसंट्रेशन कॉन्ट्रेशन मल्टीप्लाई बाई टू बीकम्स मेमरी और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट में जी रहे हैं एकाग्र होकर के उस व्यक्ति की नकारात्मक या सकारात्मक बातों को ध्यान से सुन रहे हैं वह चीज आपके जहन में बैठती चली जाएगी यही चीज होता है कि जो मैं इससे रिलेट करते हुए बोल रहा हूँ प्री रिविजन एक चीज होती है मालूम है मैं एग्जाम्स के समय में या लेक्चर अटेंड करने के पहले पढ़ के जाता था क्यों भले मेरे को समझ में ना आए उससे क्या होता है मालूम जब टीचर बताते थे ना कुछ टॉपिक को पढ़ाएंगे ना तो टर्मोलॉजी ऐसा लगता है कि भाई ये तो कुछ सुना सुना टाइप का लग रहा है तो आप मीनिंग भी मी ढूंढने लगते हैं ऐसे ही है आप और मैं यहां पे रह रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं बंबई में एक दूसरे को मिलेंगे तो क्या बोलेंगे ये आदमी कहीं देखा हो रे मैं तो वैसे ये सब्जेक्ट होते हैं कि आप एक बार पढ़ के जाओ भले उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है पहला रिवीजन होगा जब टीचर आपको पढ़ाने वाला है तुरंत घर आओ उस टॉपिक को फिर पढ़ो दैट इज दिन जब आप नए टॉपिक को पढ़ रहे उसके पहले पुराने टॉपिक को फिर पढ़ो दैट इज बाद एग्जाम में बुक खोलने का सीधा बट फोकस अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन ये आपका हंड्रेड परसेंट रहना चाहिए एंड मैंने ऐसे ही पढ़ा है ऐसे ही पास किया है ये किताब में नहीं दिया हुआ है तो ये पोस्ट रिविजन इज सो इंपॉर्टेंट मैं तो बोलता ना मस्ती करने में कोई कमी नहीं छोड़ना क्योंकि जब तक जिंदगी में कोई स्टोरी नहीं बनाओगे तो बुढ़ापा आपका शमशान घाट जैसा हो जाएगा लेकिन सकारात्मक स्टोरी बनाना चाहिए नेगेटिव नहीं और इसके लिए आपको बार बार प्रयास करते रहना है चीजों को तब आपको वो स्टोरीज याद आएंगी लाइफ में आपने क्या क्या किया है बताने में आपको आनंद आएगा वही आपका जीवन का अचीवमेंट रहता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अपने वीकनेस को जो एक्सेप्ट करता है उससे बड़ा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है जैसे शुभम ने बोला आकर के शुभम ने क्या बोला था हाँ हाँ मेरे को क्या था क्या बोला शुभम भाई अरे मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूं ठीक <laughs> है बोल दिया उसने फन के लिए जो भी है एक्सेप्टेंस की हाँ प्रमोद को ये नहीं आता शुभम को ये नहीं आता टंडन को मयंक को नहीं आता यादव जी को नहीं आता ये क्लियरली बोलना चाहिए कि नहीं आता वेन यू स्टार्ट दैट इज द पॉइंट जहां से आप लर्न करना चालू करेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे लिपा पोती करते 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 उसको मैनेज करने का प्रयास करते हैं और मैक्सिमम एनर्जी जहां पे लगनी चाहिए वहां छोड़ करके डाइवर्ट होके दूसरी जगह जाती है एंड फाइनली एंड स्टेज में हु विल बी द लूजर यू विल बी द लूजर दैट इज मी इज गोइंग टू बिकम वीक मेरा सेल्फ एस्टीम मेरा सेल्फ वैल्यूएशन मेरा self -confidence, मेरा सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस एनालिसिस पावर ये सब कुछ कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली एक नेगेटिव पर्सनैलिटी का जन्म हो जाएगा बेचारा यू गेटिंग मे पॉइंट इसलिए उनके साथ में गुरुजी लोग के सामने में बिंदास रहने का देखो स्टूडेंट वो तगड़ा है जो साला दिमाग में क्वेश्चन रखा हुआ है ज्ञान का जन्म उसी से होता है जब आपके अंदर में जिज्ञासा और प्रश्न का जन्म होता है जिस बच्चे के पास जिज्ञासा और प्रश्न नहीं है वो ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकता और टीचर को बोलने का वायस आता नहीं है मैं मेरे समय में टीचर मेरे नाम से भगते थे मैं तो सिर्फ सवाल पूछता था ये देखने को कि टीचर को आता है कि नहीं और जो टीचर दम दे के बात करते हैं ना मैडम सॉरी हैं चिल्ला के बोल देंगे शटाप तुमको नहीं आता अरे इसका मतलब मैडम को ही नहीं आता अरे तेरे को आता है तो धीरे से बता देना मेरी माँ ते अपने पिताजी लोग भी ऐसी आइटम है उनको नहीं समझेगा शटाप अरे आता है तो बता देना भाई तो ये समझ जाने का खेल उल्टा है मैडम को आता है नहीं अपन देना धन सवाल पूछते थे मैडम बोलती भी थी प्रमोद के जैसे उच्च कोटि के भोकवा कौन है ले भोकवा अब भोकवा कैसे चार सौ अस्सी में एक गांव के एक, एक जगह में दस आदमी रही कर नहीं है तो फिर डर किस चीज का है मेरे को डर तो उसका है ना जिसके सामने मेरी प्रतिस्पर्धा की भावना है यहां पे लोगों के साथ एक दूसरे के साथ कंपटीशन क्यों निरमा साड़ी क्यों तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों टंडन मयंक समझा समझाओ ये चीज को दिमाग में रखने के नहीं ये जितना कैरेक्टर्स यहां बैठे ना सब डिफरेंट है और सबके साथ में एक अच्छे रिलेशंस बना के लाइफ में रखना चाहिए कोई रहेगा नेगेटिव तो ठीक है ना रे उसको हैंडल करेंगे अपन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट स्लाइड ड्यूटीज रेस्पेक्ट वैल्यू सिस्टम वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना अपने लाइबिलिटी का, 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 का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अपने खुद के ऊपर में नियंत्रण रख सकें आपको क्या चीज करना है क्या नुकसान कर सकती है क्या फायदा कर सकती हैं इसका एनालिसिस करके कदम उठाना चाहिए ताकि आपके अंदर में भविष्य में होने वाले तनाव को खत्म नहीं कर सकते लेकिन आप उसको नियंत्रित करने का प्रयास ज़रूर कर सकते हैं अब आइडेंटिटी बनाना सबकी एक है मेरी पहचान बननी चाहिए जैसे भाई ने बोला बोला नाम तो बताने दे गुरु जी अब आइडेंटिटी बनाना है तो काम से करो अपने राइट और रॉन्ग यस नेक्स्ट स्लाइड अभी छोटी सी अब दो चार स्लाइड में फिनिश करता हूँ क्योंकि अभी मेरे को क्लिनिक भी खोलने गए दो चार पैसा आएगा नहीं तो बीवी बोलती खाली हाथ आ गए एस ठाकुर खाली हाथ आ गए ठाकुर सब so, ये ये देखो मैं ज्यादा नहीं इस पर ऑलरेडी अपन डिस्कस कर दिया मालूम है मेरे को स्ट्रेस है लेकिन ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेरे अंदर बाधाएं पैदा करती हैं एक तो सबसे पहले क्या है आई मैं क्या बोलता हूँ सबसे पहले आई कैन डील माई स्ट्रेस आई हैव नो इश्यूज मैं खुद कर लूंगा अपने आप से यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई खुद तो खाई में लटक रहा है और उसके बाद बोलता है, नहीं नहीं मैं सबको ठीक कर दूंगा कैसे रहोगा राजा दूसरा है इट्स जस्ट अ स्ट्रेस आई डोंट नीड काउंसलिंग तनाव मेरे मेरे को किसी के उपदेश या ज्ञान या चर्चा की कोई जरूरत नहीं है इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब आई डोंट हैव टाइम टू डील हैथ माई स्ट्रेस आई एम सो बिजी विथ माई ओन लाइफ आई थ्राई on stress. मैं तनाव पर ही कामयाब होता हूं नेक्स्ट लाइट ये सब बाधाएं के शब्द हैं ध्यान रखना दिस आर नॉट पॉजिटिव हम कभी भी स्ट्रेस में रहते हैं ना तो इसी पे खेलते रहते हैं मैं सब कर लूंगा मैं सब जानता हूं मैं संभाल लूंगा मैं देख लूंगा उसको नो माय डियर स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है ना जैसे भाई साहब ने बोला स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है कि आपको लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम दे देंगे और ये स्ट्रेस के कारण इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं मेल्स जो है बेबी के लिए हेल्प नहीं कर पा रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ये चीज को बहुत क्लियर रखना है स्टडीज देखो आप लोग तो सब गूगल अंकल के ऊपर आश्रित रहते हैं गूगल अंकल को खोलो वो सब बता देंगे मैं बोलता मोबाइल एक समुद्र की तरह है जहां पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें उपस्थित हैं आपको क्या चाहिए उसको पकड़ लो नहीं तो आप खींचे चले जाओगे और गोते खाते खाते समुद्र में मर जाओगे

एक नेगेटिव कोपिंग स्किल्स होती है नेगेटिव कोपिंग स्किल्स कैसी रहेगी नशा बैड कंपनी एडिक्शन अब एडिक्शन में अभी सबसे ज्यादा टॉप में चल रहा है क्या इंटरनेट एडिक्शन बुक्स के अनुसार यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति तीन घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया में रहता है उसको कोई ना कोई मानसिक रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है तेरह से लेकर सत्रह साल की आयु में जो व्यक्ति तीन घंटे तक सोशल मीडिया में रहता है उसमें फोर्टी टू परसेंट लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी होने की संभावना है जबकि तीस लोगों को डिप्रेशन होने की संभावना है एट परसेंट लोग के रिलेशनशिप सोशल मीडिया के कारण टूट जाते हैं और इनफैक्ट सेवेंटी नाइन परसेंट सुसाइड रेट जो है प्रोवोक होते हैं इंटरनेट के द्वारा और बाकी लोग न्यूज पेपर पढ़ के कैन यू सी द डेटा ये नेट का खेला है और आपको मालूम है ना नेट में अपन क्या करते हैं फेसबुक में एक मूवी को एक क्लिक किए तो वही क्लिप से रिलेटेड बार बार आने लगती है बराबर है ना यू ऑल आर इंजीनियर अपकमिंग इंजीनियर्स उभरते सितारे हैं आप लोग एल्गोरिथिम्स ऐसा बना के रखते हैं भाई लोग कि आपने एक ने छुआ वो आपकी मैक्सिमम टाइम आप नेट पे गुजारे गेटिंग मे पॉइंट ऑफ नॉट एंड यू गेट डिपेंडेंट डिपेंडेंट इसलिए आने वाले समय में जिस तरह नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं उसी तरह इंटरनेट डीएडिक्शन केंद्र खुलने वाले हैं यू कैन इमेजिन की कितना बड़ा घातक होने वाला है आने वाले दस साल के अंदर में ये चीज माई हॉस्पिटल इज गोइंग टू कंप्यूटर इंटरनेट डी एडिक्शन बॉर्ड इतना ज़्यादा गंभीर समस्या ये होने वाली है इसीलिए जो व्यक्ति सुबह उठते बरों मोबाइल छूते हैं सोने के समय मोबाइल छूते हैं जो व्यक्ति इम्पोर्टेंट काम को छोड़ करके सोशल मीडिया में ज्यादा देर तक रहते हैं जो व्यक्ति सामाजिक पारिवारिक और वैसायिक जिम्मेदारियों को छोड़ करके सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं जो ज़्यादातर समय ये लगाते हैं कि अभी तक मेरे को पोस्ट करने के बाद इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स क्यों नहीं मिले उसके कारण मेरे अंदर जो व्याकुलता होती है आप समझ जाइए कहीं ना कहीं से आप डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं आश्रित होते चले जा रहे हैं और ऐसे लोगों को डिटॉक्सीफाई होने की जरूरत है क्या है जैसे हम शारीरिक रूप से डिटॉक्सीफाई होते हैं वैसे हमें मानसिक रूप से भी डिटॉक्सीफाई होना पड़ता है कि पूजा करते वक्त मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है दोस्तों के बीच में बैठूंगा तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है काम करते वक्त मोबाइल को चेक नहीं करना है सोने के समय में मोबाइल को नहीं छूना है आपको डेटा मालूम है टाइम्स अ डे एक व्यक्ति मोबाइल को टच करता है कितना इसके कारण साइकेट्री में ढेर सारी एनसेस है साइबर सेक्स नेट कंपल्शन नोमोफोबिया टनल सिंड्रोम ये सब आपको नेट के कारण मिलेगा इसमें एक होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आस्किंग कि वो क्या करते हैं बार बार क्वेश्चन को पूछते जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते जाते हैं नेट कंपल्शन गेम डिसऑर्डर जो आजकल बच्चों को देखता हूं ब्लू वेल के कारण कितनी सुसाइड हो रही थी और भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसके कारण मैं देखता हूं ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जितनी भी रासायनिक पदार्थ और ट्रैक्ट डोपामिन दूसरे नशीले पदार्थों तो के साथ खेलता है उतने ही ये इनके साथ भी खेलता है और हमको वही चीज अपनाना पड़ता है डिटॉक्सीफाई करने के लिए वही दवाइयां वही पैटर्न सिर्फ इतना है डिटॉक्सीफाई करने के लिए आपको कुछ समय के लिए उस वस्तु से दूर रहना चाहिए इसमें जो बोलते हैं सबसे पहले एक रहता है सिटिंग कि जहां पे आप रह रहे हैं संभल के रहिए नींद में रेडिएशन के कारण भी ज्यादा स्लिपलेट में भी आप ज्यादा खेलते हैं आप रीडिंग हैबिट्स डालिए हॉबी को टाइम दीजिए फ्रेंड्स के साथ बैठे तो मोबाइल को टच मत कीजिए दिस आर द वेज यू कैन डीटॉक्सीफाई स्पेसिफिक जिस चीज से आप एप्लीकेशन से आकर्षित होते हैं उस एप्लीकेशन को हटा दीजिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिटॉक्सीफाइंग रिकरेंट डिटॉक्सीफाइंग एक वीक के लिए एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को गैजेट छूना ही नहीं है अगर आप ऑनलाइन या होम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ मेरे को काम करके बाहर निकलना है दिस इज यू कैन तो आपको खुशबू से बदबू से व्यवहार से समझ में आएगा इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एक लड़का मेरे पास आया स्टैंडर्ड का एंड हाई डॉक खबर यू बाल वाल बड़े नखुन नखुन बड़े मस्त साला हिप्पी टाइप दिख रहा भाई एकदम

अपन लोग क्या बोलते हैं इज दैट डू गोइंग कमिंग उसमें अपनी बैंड बजाते हैं मैं तो देखा एक दो लोग को भी ये छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं एयर एस्ट्रेस को बोला पानी लगे प्यास लगे ये गुड़िया ए नो नी वो अरे ये अपना स्टाइल है तेरे को नहीं जमता तू निकाल मोबाइल ट्रांसलेट कर छत्तीसगढ़ी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करे <laughs> तो उस बच्चे ने जब वो बच्चा आकर के मेरे सामने में ये चीजों को प्रेजेंट किया आई वाज शॉक्ड एक साल से कमरे से नहीं निकला वो पिज्जा वो क्या बोलते हैं स्विगी मिगी और वो लाल टी शर्ट क्या बोलते हैं उसको जोमैटो उससे खाना मंगा के पिज्जा विज्जा खा करके मस्त गोल गप्पा हो गया वो कॉन्स्टिपेटेड आइटम पूरा मैदा जोर लगा के हैया निकल जाए मेरे भैया ये मैदा है जो आजकल बच्चे बोलते हैं बर्गर मोमोस निकल रहा है मोमोस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास डॉक्टर साहब तीन दिन से <laughs> तो उस बच्चे ने जब मेरे से बात किया तो वो बच्चे की सबसे खास बात क्या थी मानो ऐसी अंग्रेजी बोल रहे भाई लगता है ये साला पाजी कनाडा एंडर से आया कुछ यू नो ऑफ अ गेम ऑनलाइन गेम ऑनलाइन गेम में ना अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें राइट और रॉन्ग भाई ने क्या किया मालूम है उसके पूरे एसेंट को पकड़ लिया रे वो वो भी ओके फ्रेंड आई डू इट दादी है ग्रैंड मादर ही वाज ऑब्सेस्ड ही वाज डिपेंडेंट ऑन गेम एंड द होल लाइफ गॉट फायर ही मिस्ड हिस्स टेंथ का बोर्ड एग्जाम बिकॉज ऑफ गेम तो साहब ये चीज होती है तो हम दूसरों को देख के प्रभावित होते हैं तो ये चीजों को नहीं राजा वो है जो लोग मेरा नशा करें भिखारी वो है जो नशा करके दूसरों को मजा दे हिले डुले नीलू फूले में पॉइंट हाँ ऐसा है ना ये इंटरनेट एडिक्शन का क्या मालूम है साला किसी पोटी को जाके बोलेगा ना आई लव यू तो तीन बार संडा जाएगा और मोबाइल में कैसे तो, आई लव यू वो बोले कि उ तो बंद दूसरे ढूंढो आप दूसरी नहीं तो तीसरी ढूंढो देर इज नो अफेक्शन देर इज नो बॉन्डिंग देर इज नो टच देर इज नो एटीट्यूड देर इज नो जेस्टर तो साला जब फीलिंग ही नहीं है तो बॉन्डिंग कैसी रहेगी रात भर उल्लू जैसे पहले लोग गिनते थे नोट गिनने के लिए अंगूठा जाता था मोबाइल खेल खेल के अंगूठा जाता है सोचो ना आप कितना बड़ा खेला है ये एक कोई मेरे को आगे आगोल डॉक्टर यू लुक टू स्मार्ट मन कितना अच्छा होता है मोबाइल में बोले कितने लाइक्स आए मेरे को तो थर्टी फोर के है तेरे को कितने 2K? <laughs> कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई सब कुछ खोपड़ी का खेला है भिखारी आप बन रहे हैं दूसरे मजे ले रहे हैं पैसा कमा रहे हैं ज्यादा उंगली करना मत सीखो उंगली चलाना सीखो उंगली करना नहीं जितना चलाओगे उतना नंबर अच्छा आएगा उंगली करोगे लाइक और कमेंट में उतना तुम वहीं के वहीं बैठे रहोगे और छिछोरे वाला बन जाओगे सेक्सा सो <laughs> so, ये नेगेटिविटी है डीएडिक्शन का इतना ध्यान में रखना सो बैड वेरी बैड मतलब जितना आप अफीम लेने के बाद डिस्ट्रैक्ट होते हैं उतना इसके साथ होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है मालूम इग्नोर करने का रे अवॉइड करने का जो मेरे से रिलेवेंट नहीं है ना उसको ध्यान नहीं देने का सेकेंड होता है आप आत्म मूल्यांकन आपको करते रहना चाहिए कि कभी आप प्रॉब्लम्स में जाते हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए समझना चाहिए कि मेरे से गलती कहां पे हुई ताकि आप उसको करेक्ट कर सके नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक सो ये अपन ने सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अपने को रियलिस्टिक रहना चाहिए अवॉइड आई मस्ट और आई शुड हाँ ये सब पढ़ लो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बच्चे हो बहुत दिन बाद माँ के हाथ का खाना खाए वो भी मैस की दाल ढूंढोगे पानी में इस टाइप का भी जीवन चालू होने वाला है तो ये सब पढ़ लो कि अनुशासित रहो समय पे कॉलेज जाओ लाइब्रेरी में समय दो फ्रेंड्स बनाओ लेकिन पॉजिटिव वे से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो ताकत लगे अगर आपको प्रॉब्लम है तो किसी के साथ डिस्कस करो और फैमिली के साथ बात करते रहो मालूम मैं मैं, मैं बॉम्बे गया ना तो साला अपने को ना अरे वहां तो कोई भी आइटम टंडन बम्बई में कोई भी अबे मेरे जैसे काले नोटे दो फुट के गुप्ता को भी आइटम तो साला घर में बात करते रहते थे, थे ना फोन से तो उस तरफ विचार ही नहीं जाता था लड़की ने बोला आई लव यू छोटी बैठे पढ़ने दे कल एग्जाम है क्योंकि गोल फिक्स था ना पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं फैमिली की वैल्यूज को समझते हैं तो आपके अंदर में उस तरह के ही नहीं आते कि जो आपका टेस्टिस्ट आपको मजबूर करे कि चल छोटू जाके खेलते हैं अपन <laughs> वही है समझे मेरी बात को ये चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है इसीलिए कभी भी आप रहे बेश्रम होकर बोलना चाहिए आई नीड आई मीन प्रॉब्लम आई नीड हेल्प बेश्रम होना चाहिए सुसाइड का सिंपल अर्थ होता है आत्महत्या आत्मा इस शरीर में भगवान ने डाली है अगर मैं आत्मा को खत्म करूंगा इसका मतलब सीधा भगवान को रिजेक्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि जिसने मेरे अंदर में डाला है उसने मुझे तीन काम के लिए भेजा है कर्तव्यों के लिए खुद के शरीर का ध्यान रखना परिवार का ध्यान रखना और समाज का कल्याण करना और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है आप समझ जाओ जितनी भी चीज आत्मा से जुड़ी है क्या क्या जुड़ी है सेल्फ सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम सेल्फ वैल्यूएशन सेल्फ एनालिसिस ये सब आत्मा से जुड़ी हुई चीजें हैं आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक उसके अंदर प्योरिटी नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला तो हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिविटी आत्मा को डाल रहे हैं इसलिए यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प और जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उस प्रॉब्लम को आप पहचाने उसका निराकरण करने के लिए टीचर्स से फैमिली मेंबर्स से या फ्रेंड से सहयोग ले नेक्स्ट लाइफ ये तो खैर हाँ ये इंपॉर्टेंट है सुनो एक मिनट पलटी करो बे गो बैक टाइम मैनेजमेंट विल हेल्प यू विथ ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न लोग कभी नहीं बोलना चाहिए कि टाइम नहीं है मेरे पास टाइम भरपूर है भाई प्रायोरिटी सेट करो टाइम ही टाइम है नेक्स्ट स्लाइड आप पढ़ सकते हैं जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस की प्रतिस्पर्धा सुल्तान पिक्चर की डायलॉग हमेशा मैं अपने बच्चों को बोलता हूं सुल्तान को कोई हरा सकता है तो सिर्फ सुल्तान इसलिए मैं शुभम से क्या कंपटीशन करूं यादव से क्या कंपटीशन करूं टंडन से क्या कंपटीशन करूं मेरे को कंपटीशन खुद से है कि आज प्रमोद को ये चीज़ नहीं आती है मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूं उसमें और कैसे चुनौतियों को सामना करूं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस टॉपिक में बेस्ट हो जाऊं दैट इज़ द मोस्ट बेस्ट वे टू एंजॉय लाइफ कमिटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या गोल के लिए कमिट करके रखा हूँ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा लिमिटेशन लानी पड़ेगी प्यार मोहब्बत को, को इस उम्र में बहुत गुमराह करता है मैं आपको सही बात बता रहा हूं मैं तो क्लिनिक में भरपूर देखता हूं आने वाले समय में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा शराब पिएंगी क्यों हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं अरे साला तू एंजॉय किया मैं नहीं करूंगी ला छोटो दो पैक मार बट साहब ये चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर लिमिटेशन आपको अपने चीजों का ज्ञान बोला एबिलिटी कैपेबिलिटी एंड लाइबिलिटीज इसका आपको ज्ञान होना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप इस तरह की गुमराह होने की संभावना कम रहेगी अरे कौन ढार इस महाराज हाँ ये लाइन बहुत अच्छी है इसको आप पढ़ लो ये लास्ट स्लाइड है ए, आ, बहुत अच्छी लाइन है देखो अभी इफ यू वॉन्ट टू लिव हैप्पी टाई इट टू योर गोल नॉट टू पीपल और ऑब्जेक्ट जो साहब ने बोला था साहब ने क्या बोला था अपने को परवाह नहीं दूसरे की पीपल और ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान मत दो लड़के लड़की क्लासमेट ये सब आपके ऊपर इंप्रेशन मार रहे हैं. इस पे ध्यान मत दो किस पे ध्यान दो सिर्फ अपने गोल पे सक्सेस विद पॉजिटिव थॉट इज़ अचीवमेंट सक्सेस विद नेगेटिव थॉट इज फोकट में मिला हुआ दूसरा क्या होता है यह तो आप अपनी ड्रीम्स को पूरा करो तो दूसरे अपनी ड्रीम को आपको यूज करके पूरा कर लेंगे इसलिए बी वेरी स्पेसिफिक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज डू वॉट इज राइट नॉट वॉट इज इजी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इसको ध्यान से अपने लो इसको बोल गोदना गोदवा लो इसको अंग्रेजी में बोलते टेटू टेटू करा लो यहां बटरफ्लाई इल्लू इल्लू माय लव करा लो ना <laughs> कर दो <laughs> ले करो <laughs> ऐसा चलता रहता है ये इल्लू इल्लू सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू कम्प्लीट आप पूरा कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं है भाई कितने लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं आपके जैसा बनना चाहते हैं वही सक्सेस है तो साला लाइफ होना तो कैसे होना ये मैडम के जैसे होने का मस्त टकाटक वैसा वाला टकाटक नहीं कंप्लीट अकम्प्लीट विथ फुल नॉलेज विथ फुल डिसिप्लिन विथ फुल कल्चरल फुल वैल्यूज आई वॉन्ट लाइफ लाइक दिस जैसे मैंने आपको क्या बोला गॉट इंस्पायर बाय माई टीचर तो साल टीचर बड़ा आदमी हो गया मेरे लिएटिंग मे पॉइंट अब तीन चीज से जिंदगी आपकी सुधर सकती है मेरे साथ रिपीट करना पड़ेगा लीव इट एक्सेप्ट इट और चेंज इट ये तीन से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है एक ही जीव पूरे ब्रह्मांड में है जिसके अंदर परिवर्तन की भावना जागृत हो सकती वो मनुष्य जो परिवर्तित नहीं हो सकता उसके अंदर में तनाव होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है इसको ध्यान में रखिए इसलिए वह सास सबसे नखरेली है जो बहू की बैंड बजाती है बोलती कि तू आज तक घूंघट है सर अरे मेरे बाप परिवर्तन ले आ भाई कहां से कहां पहुंच गए अब लेकिन अभी भी बोल रहे हैं चक्की पीसो आटा वहां से निकालो मशीन से नहीं बरी बनाओ पापड़ बनाओ अभी तो ऐसा है ना छोटू दो पैकेट मार दे इडली के इधर बोला दाल अच्छा चल इडली दे दे जगदम्बा में जाके खा के आएंगे तुम लोग को बता दिया रे उसका पॉपुलरिटी दे रहा है मेरे को फोकट में खिलाता है वो तो क्या हो गया जितना एजुकेशन आ रहा है ना उतना हम कल्चर से दूर हो रहे हैं और उतना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उतना वैल्यू सिस्टम को पढ़े लिखे बच्चे क्या करते हैं जस्टिफाई करते हैं रैशलाइज करते हैं इसलिए इतना प्रॉब्लम आ रहा है आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना है खाना पीना है जो अपने शरीर का सम्मान नहीं दे सकता वो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए अपने शरीर को सम्मान देना जरूरी है योग करें मत्स्यसन करें हल आसन करें ये चीज आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा विटामिन सी जिंक मैग्नीशियम पोलिक एसिड ये चीजें आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा आपको हमेशा यंग रखने की कोशिश करेगा मैं खाता हूं साइकिलिंग करो दौड़ लगाओ कोई तो लक्ष्य रखो स्वस्थ रहने का दैट इज इम्पोर्टेंट इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट है कि फैमिली के साथ खाना खाना दोस्तों के साथ खाना खाना टीचर्स के साथ समय बिताना और प्रोफेशनल टाइम में प्रोफेशनल रहना कॉलेज टाइम में कॉलेज टाइप बिहेव करना कॉलेज के बाद में बिंदास मस्ती करना यस दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ आई थिंक सो काफ़ी समय लिया मैंने लेकिन साइकेट्रिस्ट लव टॉकिंग सो आई जस्ट टॉकिंग एक दिन में पुरुष साठ हजार शब्द बोलता है एक मनुष्य पुरुष जो है सिर्फ सात हजार बोलता है और महिलाएं सिर्फ 27000 हजार बोलती हैं इसीलिए इतना झगड़ा होता है लेकिन कृपया कर मेरे को उस नजर से ना देखे कि मैं महिला हूं सत्ताईस हजार यही बोल दिया हूं ओके सो एन्जॉय मेडिटेशन इज़ वेरी नाइस यू कैन कंट्रोल यूर ओवर थिंकिंग एंड एन्जॉय यूअर फुल टर्म जैसे मैडम ने बोला ना कि आप एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत सारी ऑपरचुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं सिर्फ अपने मन को शांत रखिए धैर्य से धीरज से बिना किसी प्रतिस्पर्धा के आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर परिवर्तन ले आइए माँ बाप को भी गर्व महसूस होगा कि हमसे दूर जाके बच्चे ने किसी चीज को एक सकारात्मक रूप से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया किसी को सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर प्रमोद आर गुप्ता यू विल गेट ऑल पॉसिबल एंसर्स ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस इश्यूज थैंक यू सो मच इतने धीरज से धैर्य से मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टंडन साहब मिल जाएगा <laughs> उम्मीद अपेक्षा में दुनिया का अहम है परिवर्तित हो जाओ चेंज इट लीव इट और एक्सेप्ट इट तो अभी दो बचा है लीव तो कर नहीं रहे हो तुम एक्सेप्ट और चेंज हो जाओ ठीक है मयंक बोलना थैंक यू सो मच थैंक यू सोच thank you sir for such an interactive and exciting session can we please have a round of applause for dr pramod gupta